व्याख्यान शुरू करूं उससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें भूमिका के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप बहुत अच्छे से बात समझ पाएंगे। सामान्य रूप से दो शब्द होते हैं जिनको हम अक्सर अपने व्यवहार में उपयोग करते हैं, एक संस्कृति, दूसरा सभ्यता। हम जब ये संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं तो कई बार हमें खुद भी स्पष्ट नहीं होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। संस्कृति और सभ्यता दोनों एक नहीं है, अगर एक होते तो दो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। सभ्यता कुछ अलग चीज है, संस्कृति कुछ अलग चीज है। सभ्यता और संस्कृति का अंतर अगर हमें मालूम है तो भारत हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर सभ्यता संस्कृति का अंतर नहीं मालूम तो भारत को समझने में तकलीफ होगी और भारत समझ में नहीं आता। अगर मेरे साथ मंच पर मैं कोई ऐसी महिला का चित्र प्रस्तुत करूं जिसकी साड़ी देखकर आप बता सकें कि ये महिला कहाँ की है, तो आपको ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि यहाँ पर कोई मराठी महिला खड़ी है, तो उसकी साड़ी का बांधने का जो स्टाइल है वो आप समझते हैं किस तरह का है। इसी मंच पर एक बांग्ला महिला है, बंगाल की महिला है, आप उसकी साड़ी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बांधने का तरीका क्या है। इसी मंच पर कोई आसाम की महिला है, उसकी साड़ी बांधने का स्टाइल आपको पता चल जाएगा कि ये आसाम की है। इसी तरह से मान लीजिए पंजाबी महिला है कोई पंजाब की, उसकी साड़ी का जो बांधने का तरीका है वो आपको बता देगा कि ये पंजाब की है। गुजरात की कोई महिला हो, मतलब ये है मेरे कहने का कि भारत के किसी भी राज्य की महिला की साड़ी बांधने का तरीका देखकर आप बता सकते हैं कि ये किस राज्य की है। तो ये जो साड़ी बांधने का अलग अलग तरीका है, पंजाब का एक तरीका है, गुजरात का एक तरीका है, महाराष्ट्र का एक तरीका है, बंगाल का दूसरा है, आसाम का तीसरा है, साड़ी बांधने का जो तरीका है ये संस्कृति है। और साड़ी जो है वो सभ्यता है। साड़ी बांधने के जो अलग अलग तरीके हैं, बंगाल का एक मैंने आपसे कहा, महाराष्ट्र का एक, आसाम का एक, पंजाब का एक, गुजरात का एक, जो सभी में कॉमन है वो एक ही है, वो सभ्यता है। एक और उदाहरण देता हूं तो और जल्दी समझ में आएगा। अगर यहां मंच पर कोई पुरुष खड़ा है और उसने मारवाड़ी पगड़ी बांधी हुई है तो आप देख के बता देंगे कि ये मारवाड़ का है। उसी के पड़ोस में एक और कोई भाई खड़ा है जिसने मेवाड़ी पगड़ी बांधी हुई है तो आप पगड़ी देखकर बता देंगे कि वो मेवाड़ का है। इसी तरह से अगर कोई तीसरा भाई खड़ा हुआ है और मान लीजिए उसने काठियावाड़ी पगड़ी बांधी हुई है, तुरंत आप देख के बता देंगे ये काठियावाड़ी है। तो ये जो पगड़ी बांधने के अलग अलग तरीके हैं ये संस्कृति है, पगड़ी जो है वो सभ्यता है। ठीक है, तो सभ्यता जो होती है वो संस्कृति से थोड़ी ऊंची होती है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सभ्यता जो है वो संस्कृति को धारण करती है। सभ्यता कॉमन है, वो सभी में है, संस्कृति स्थानीय है, अलग अलग। इसको अगर हम परिभाषित करें तो ऐसे परिभाषा इसकी बनेगी, सभ्यता एक जैसी होती है पूरे राष्ट्र की, वो अंतर नहीं करती। संस्कृति राष्ट्र के अंदर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती है। एक और उदाहरण देता हूं, अगर यहां कुछ हम संगीत का कार्यक्रम आयोजित करें, मारवाड़ी है या मेवाड़ी है लेकिन है राजस्थान, थोड़े दिन के बाद वो धुन बदल दे और आप कहें अरे ये तो असमिया है क्योंकि बिहू की थाप इसमें है, फिर थोड़ी देर के बाद वो धुन बदल दे तो आप कहेंगे ये तो कन्नड़ है, कर्नाटक का है। तो ये जो अलग अलग गीत एक ही हो सकता है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उसकी धुनें बदल सकती है। एक ही गीत हिंदुस्तान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से गाया जा सकता है। और एक उदाहरण देता हूं समझने के लिए, अगर मान लीजिए यहां भोजन की व्यवस्था है, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें आपने पूरी खाई है या पराठा खाया है या रोटी खाई है या तंदूरी रोटी खाई है या रूमाली रोटी खाई है या हाथ की बधाई हुई रोटी खाई है,
ये सब रोटियों को खाते ही आप पहचान लेंगे कि ये किस क्षेत्र के आदमी की बनाई हुई है। या मिठाई है, मिठाई देखते ही खाते ही आप पहचान लेंगे कि ये तो लगता है जोधपुर वाले किसी ने बनाई है। हो सकता है मिठाई में जलेबी हो तो वो आप कहेंगे यार ये तो जयपुर स्टाइल की जलेबी है, कोई कहेगा ये जोधपुर वाली जलेबी है, कोई कहेगा ये बीकानेरी है, कोई कहेगा ये नागपुर वाली है। तो ये जो बीकानेरी, जोधपुरी, नागपुरी, ये तो सब संस्कृति हो गई, और वो जो जलेबी है वो कॉमन, वो सब दिखा है, वो पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक जलेबी मिलती है, पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक रोटी मिलती है। रोटी बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। ज्वारी की रोटी यहाँ महाराष्ट्र में खाएंगे वो एक तरीके की है, वही कर्नाटक में खाएंगे तो बिल्कुल दूसरे तरीके की। तो भारत की सभ्यता तो एक है, संस्कृतियां इस देश में क्षेत्र के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, इलाके के हिसाब से विकसित हुई है। एक क्षेत्र की संस्कृति एक हो सकती है, दूसरे क्षेत्र की दूसरी हो सकती है। और एक उदाहरण दो, मान लीजिए कोई राजस्थानी परिवार है, आप उसमें प्रवेश करते हैं तो कहेगा पधारो साहब, आओ, स्वागत आपका करेगा। तो वो स्वागत करते हुए जो दो शब्द बोलेगा वो शब्दों को तुरंत पहचान के आप कहेंगे यार ये तो राजस्थानी परिवार है, ठीक है। और आप जब जाएंगे तो फिर कुछ बोलेगा, फिर से आना, पधार जो, फिर से आना, ऐसा कुछ बोलेगा। तो शब्दों के बोलने मात्र से अंदाजा लग जाता है कि ये परिवार राजस्थान का है। ठीक इसी तरह से शब्दों मात्र से बोलने से पता चल जाएगा ये कन्नड़ परिवार है, ये तेलुगु परिवार है, ये तमिल परिवार है। तो ये जो अलग अलग शब्दों का उच्चारण है ये संस्कृति है, लेकिन अभिवादन जो है वो सभ्यता, वो कॉमन है सब। अतिथि का स्वागत करना ये सभ्यता का हिस्सा है, वो पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक ही है, लेकिन स्वागत करने के तरीके जो है अलग अलग, वो संस्कृति का हिस्सा है। तीन चार उदाहरण दिए, बात समझती है आपको। तो हम बात करते हैं अब संस्कृति की और थोड़ी सी सभ्यता की, क्योंकि सभ्यता की बात पहले करनी पड़ती है तब संस्कृति समझ में आती है। सभ्यता जो है मैंने आपसे कहा एक होती है, संस्कृति अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब भारत की सभ्यता की बात करें जिसमें से भारत की संस्कृति निकली है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचने की कोशिश करें कि सभ्यता पहले है या संस्कृति, मुर्गी पहले है कि अंडा, वही प्रश्न। तो निश्चित रूप से उदाहरण अगर आपके समझ में आएगा तो आप कहेंगे सभ्यता पहले है, संस्कृति उसके हिसाब से निकलती रहती है। तो सभ्यता किसी भी समाज की या किसी भी देश की एक होती है और वो पहले होती है, संस्कृति उसमें से निकलती चली जाती है, ये है महत्व की बात। तो भारत की सभ्यता एक है और भारत की संस्कृतियां स्थानीय स्तर पर अनेक है। अनेकता में एकता, ये जो बार बार आप सुनते हैं ना, इसका मतलब यही है कि विभिन्न तरह की संस्कृतियों के बीच में सभ्यता एक ही है। अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी वाला जो टर्म है वो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, और डाइवर्सिटी जो है वो संस्कृति। और एक उदाहरण देता हूं और आसान को समझने के लिए, आप अगर हिंदुस्तान के गांव में जाएंगे, गांव में, तो आप देखेंगे कि कोई किसान है वो हल चला रहा है। हल अगर आप उसका ध्यान से देखने लगे तो हर क्षेत्र के हल अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे आप। राजस्थान के किसान जो हल चलाते हैं वहां की मिट्टी में पानी बहुत कम है, नमी बहुत कम है, तो हल की बनावट एक खास तरह की है। और वही आप केरल में चले जाएंगे तो वहां की मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा है तो हल एक खास तरह की बनावट का है। हल दोनों जगह है लेकिन बनावट उसकी अलग अलग है। जहां पर मिट्टी में नरमी ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, वहां का हल ज्यादा गहराई तक नीचे जाना चाहिए, इसलिए हल का जो फल होता है वो लंबा होता है। लेकिन जहां की मिट्टी में पानी बहुत कम होता है, सूखी मिट्टी होती है, वहां गहराई तक जाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हल का फल छोटा होता है। ये संस्कृति है, लेकिन हल दोनों जगह कॉमन है, वो सभ्यता है। इसी तरीके से मूंग की दाल, एक कल्पना करें, मूंग की दाल की बात करें, मूंग की दाल सभ्यता है, लेकिन मूंग की दाल से बनने वाले विभिन्न तरह के जो व्यंजन है वो सब संस्कृति। कोई मूंग की दाल का हलवा बनाएगा, कोई मूंग की दाल का लड्डू बनाएगा, कोई मूंग की दाल को
गरम करके उबाल के ही खाएगा तो कोई मूंग की दाल को कचौड़ी में डालेगा तो कोई कुछ करेगा। ये जो विभिन्न पद्धतियां हैं मूंग की दाल को खाने की, ये सब संस्कृति निर्धारित करती है, लेकिन मूंग की दाल अपने आप में सभ्यता है। सभ्यता एक है, संस्कृति अनेक हो सकती है, इसी को भारत में कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विभिन्न तरह की संस्कृतियों के बीच में एक ही सभ्यता, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है जो दुनिया में किसी देश में नहीं है, किसी भी देश में। आप बोलेंगे जी क्यों, आप यूरोप में चले जाइए, यूरोप में लगभग छोटे बड़े कुल मिला के इस समय 51 देश हो गए, पहले तो 22-23 थे, जब से ये सोवियत संघ टूट गया ना छोटे छोटे 27 टुकड़ों में, तो वो सब अलग देश बन गए। तो अब यूरोप में लगभग 51-52 देश है। इन 51-52 देशों में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, आप कहीं भी चले जाइए, आपको संस्कृति कहीं भी अलग नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ ये जो बात मैंने कही, सभ्यता तो एक मिलेगी, संस्कृति अनेक मिलेगी भारत में, यूरोप में नहीं है। यूरोप में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जाएंगे, अगर एक ही में उदाहरण दो, ड्रेस, पहनने वाली ड्रेस, जैसे मैंने भारत की महिला का उदाहरण दिया कि एक एक राज्य की महिलाएं, माताएं या महिलाएं अलग अलग तरीके से साड़ियां पहनती हैं, यूरोप में पूरे जगह आप चले जाएंगे स्कर्ट एक ही तरीके से पहनी जाती है, चाहे वो फ्रांस की कोई महिला हो, चाहे ब्रिटेन की हो, चाहे स्वीडन की हो, चाहे स्विट्जरलैंड की हो, चाहे डेनमार्क की हो। इसी तरह से पुरुषों में अगर आप देखेंगे तो सूट और टाई पूरे यूरोप में सभी देशों में एक ही तरीके से पहनी जाती है, एक ही तरह का सूट होगा, कोट होगा, पैंट होगा, एक ही तरह की टाई होगी, बांधने के तरीके भी एक ही होंगे। रूस में किसी आदमी को आप सूट पहने देखेंगे तो टाई बांधने की जो तरीके हैं गांठ लगाने के, फ्रांस में देखेंगे वो भी बदलेगा, जर्मनी में चले जाएंगे तो वही मिलेगा, ब्रिटेन में आ जाएंगे तो वही मिलेगा। इन सब देशों की भाषाएं बिल्कुल अलग अलग हैं, वस्त्र सभी के एक जैसे हैं। अगर यूरोपियन व्यक्तियों को लाइन से खड़ा कर दिया जाए, एक फ्रांसीसी हो, एक जर्मन हो, एक डच हो, एक इटालियन हो, एक स्वीडिश हो, अगर वो बोले नहीं, मुंह बंद करके रखें, तो आप किसी को भी देखकर नहीं पहचान सकते कि ये कहां का है। बिल्कुल एक जैसा पहना, शर्ट होगी तो एक जैसी होगी, पैंट होगी तो एक जैसी होगी, टाई होगी तो एक जैसी होगी, सिर पर अगर हैट लगाएंगे तो भी वो लगभग एक जैसा ही होगा, सब तरीके उनके एक जैसे मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम भारतीय संस्कृति में करते हैं, सभ्यता में करते हैं, ये यूरोप में नहीं की जाती, क्योंकि वहां सब जगह एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं। एक बात, एक और उदाहरण देता हूँ, मिलेगा वो बिल्कुल एक जैसा। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, पाव रोटी मिलेगी आपको खाने के लिए, डबल रोटी मिलेगी खाने के लिए, तो पाव रोटी बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो गेहूं का आटा है, तो गेहूं का आटा तो कॉमन है, लेकिन गेहूं के आटे से बनने वाली पाव रोटी भी कॉमन है पूरे यूरोप, एक ही स्टाइल की, एक ही पद्धति से, उसमें आपको दूसरे तरह की कोई पाव रोटी खाने को नहीं मिल सकती। या और एक उदाहरण दो, जो स्वीट डिश वो खाते हैं जिसको योगर्ट कहा जाता है, यूरोप में नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट कहीं भी चले जाइए, योगर्ट एक ही मिलेगा। और उदाहरण दो, आइसक्रीम जो उनकी स्वीट डिश में सबसे ऊपर है, पूरे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यूरोप, अमेरिका, कनाडा कहीं भी चले जाइए, आइसक्रीम एक ही तरह की होगी। फ्लेवर थोड़े बदल सकते हैं, फ्लेवर माने कहीं पर कुछ एक फ्लेवर मिलेगा कहीं पे दूसरा, लेकिन आइसक्रीम बनाने का तरीका पूरे यूरोप में एक ही होगा। आइसक्रीम में जो कॉमन चीज है वो है दूध, वो सिविलाइजेशन है, लेकिन आइसक्रीम बनाने के जो तरीके हैं वो कल्चर में आते हैं, लेकिन वो सब एक ही जैसे हैं, अलग कुछ भी नहीं। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जाती है, यूरोप में ये बात कोई नहीं करता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि वहां यूनिटी है नहीं, डाइवर्सिटी है नहीं, एक ही चीज है। सभ्यता और संस्कृति वहां पर अलग अलग नहीं है, जो कुछ सभ्यता में दिखाई देगा लगभग वैसा ही सब कुछ आपको संस्कृति में दिखाई देगा। भारत ही एक देश है जहां तीर्थ यात्रा, तो वहां के मंदिर देखते ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये मंदिर का डिजाइन कैसा है,
गोपुरम होगा, छत्रपम होगा, मंडपम होगा, तुरंत आपके ख्याल में आ जाएगा कि यार ये तो साउथ का मंदिर है, दक्षिण का है। अगर मैं उसका नाम ना लूं, आपको कोई स्लाइड शो दिखाऊं कि देखो ये एक मंदिर, ये एक मंदिर, ये एक मंदिर, चार छह मंदिर देखते ही आप कह देंगे ये तो सब आपने जो भी दिखाया वो दक्षिण का है, ठीक है। और उसी तरह से आप उत्तर के मंदिरों को देख के तुरंत बता देंगे कि उत्तर का है। तो उत्तर का मंदिर और दक्षिण के मंदिर में आप देखेंगे डिजाइन में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो अंतर है डिजाइन का, ये संस्कृति है। मंदिर जो है वो सब होता है, क्योंकि मंदिर सब जगह कॉमन है, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो या पश्चिम। तो जो कुछ भी कॉमन होता है समाज में, जिंदगी में, वो सभ्यता के खाते में जाता है, और जो कुछ भिन्न होता है वो सब संस्कृति के खाते में जाता है। ये दोनों खाते भारत में अलग चलते हैं, लेकिन बड़ा खाता है वो सभ्यता का है, क्योंकि वो सब में कॉमन है। अब आप शंकर जी की बात करें, आप भी शंकर जी की पूजा करते हैं, महेश की पूजा आपने की, दक्षिण वाले भी करते हैं, लेकिन आप शंकर जी को जिस तरीके से बिठाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे या उनकी पूजा करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, वो दक्षिण से बिल्कुल भिन्न होगा। वो शंकर जी को जिस तरह से फूल मालाएं चढ़ाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, वो बिल्कुल भिन्न होगा। शंकर जी सभ्यता है, और शंकर जी की पूजा करने की पद्धति वो है वो संस्कृति है। तो हमारे भारत में जो कुछ भी कॉमन हो जाता है वो सभ्यता के अंग में चला जाता है, और जो भिन्न रहता है वो संस्कृति के अंग में आ जाता है। मूल विषय ये है जो आज हम समझे। अब हम बात करें कि भारत की सभ्यता कुछ एक है, हर एक सभ्यता की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। कोई भी सभ्यता जब दुनिया में है, जिन पर कोई बहस नहीं होती, संस्कृति के जो बिंदु और मापदंड है बहस उन पर होती है। तो भारत की सभ्यता के कुछ निश्चित मापदंड हैं, कुछ बिंदु हैं, उन पर कभी भी कोई बहस नहीं होती, और बहस होगी तो बेकार की होगी, मूर्खता की होगी, उसमें से निकलेगा कुछ नहीं। बहस जो होती है वो संस्कृतियों के बिंदुओं पर होती है। अब मैं फिर से आता हूं वापस उदाहरण पे, मूंग की दाल पे कोई बहस नहीं हो सकती हमने आपस में, लेकिन मूंग की दाल से आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं, मैं लड्डू बनाना चाहता हूं, कोई बर्फी बनाना चाहता है, कोई हलवा बनाना चाहता है, उस पर बहस हो सकती है कि इसमें इतनी मूंग की दाल लगेगी, तो कहेगा नहीं नहीं इतनी नहीं लगेगी, इससे कुछ कम लगेगी, इसमें मिठाई कुछ ज्यादा लगेगी, आप कहोगे नहीं नहीं समझ। मूंग की दाल बहस का बिंदु नहीं है, मूंग की दाल से बनने वाली जितनी डिशेज हैं वो बहस का बिंदु हो सकती है। तो संस्कृति के जो बिंदु होते हैं उन पर बहस हुआ करती है, सभ्यता में कभी भी बहस नहीं होती। और जो समाज अपनी सभ्यताओं पर बहस नहीं किया करता वही दुनिया में सबसे आगे दिखाई देता है, और जो समाज अपनी सभ्यताओं पर बहस करने लगे या अपनी सभ्यता पर मानदंड पर मानने लगे क्वेश्चन मार्क, तो वो बहुत नीचे गिर जाता है। तो भारत सभ्यता के स्तर पर गिरा हुआ देश है आज की तारीख में, ना कि संस्कृति के स्तर पर गिरा हुआ। हम जो कहते हैं ना भारत की संस्कृति में गिरावट आ रही है, गिरावट संस्कृति में गिरावट कभी भी नहीं आती, क्योंकि संस्कृति तो पद्धतियों में से निकलती है। गिरावट सभ्यता के स्तर पर आती है, और वो गिरावट यही होती है कि हमने कुछ मान्यता जो मानी अपनी सभ्यता के लिए, उसमें हमने कोई कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया, या बहस करनी शुरू कर दी, या उस पर दूसरों की ओपिनियन जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है उनकी सुझाव को मुख्य मानकर अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया, तो गिरावट वहां से शुरू होती है। मैं एक उदाहरण दूं आपको, दुनिया में भारत के लोग सबसे ज्यादा बहस करते हैं अपनी सभ्यता पर, जो नहीं करनी चाहिए। बहस होनी चाहिए संस्कृति, सभ्यता पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभ्यता के बिंदु बिल्कुल स्थिर हैं। आज भी, हजार साल पहले भी, 10,000 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले, या तब से जब से भारत बना। अगर भगवान श्री राम की हम कल्पना करें या श्री कृष्ण की कल्पना करें, तो नहीं बदलते। सभ्यता हमेशा स्थिर होती है, इसलिए उस पर बहस नहीं होती। जैसे मैं एक कल्पना के लिए आपको एक बिंदु दिखाता हूं, उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है इसलिए उदाहरण देता हूं। हम भारतवासियों के मन में अपनी सभ्यता का जो सबसे स्थिर बिंदु है वो क्या, जो कभी नहीं बदलता, आज भी है,
आज से 10,000 साल पहले भी था, 1,00,000 साल पहले भी था, 1,00,00,000 साल पहले भी था, या भगवान श्री राम कभी हुए हो 5.5 करोड़ साल पहले तो उस समय भी था, या कृष्ण कभी भी था, ऐसा कोई बिंदु आपके ध्यान में आता है, कोई एक बिंदु हमारी सभ्यता का जो करोड़ों साल से एक ही तरह से चला आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं, कुछ ध्यान में आता जी? मंदिर श्रद्धा, बिल्कुल श्रद्धा एक बिंदु है, मंदिर एक बिंदु है जो बदलता नहीं है करोड़ों साल से है, तो श्रद्धा ये मंदिर जो है ना श्रद्धा से निकला है। मंदिर मैंने आपसे कहा ना वो संस्कृति है, मंदिर बदलता है, श्रद्धा नहीं बदलती। हम मानते हैं कि ये देवता है हमारा, अब कोई कहेगा यार ये तो पत्थर का टुकड़ा है, तो उसकी श्रद्धा है हमारी श्रद्धा है, किसी के लिए वो पत्थर का टुकड़ा हो सकता है लेकिन हमारे लिए वो देवता से भी ज्यादा है, तो ये जो श्रद्धा है वो सभ्यता का बिंदु है, मंदिर संस्कृति का, मंदिर बदल सकता है, आज एक स्टाइल का है कल दूसरे स्टाइल का हो सकता है, आज आपके पास बहुत पैसा है तो सोने का मंदिर बना लेंगे, कल को पैसा कम हो जाएगा तो कंक्रीट का बनाएंगे, सीमेंट का बनाएंगे, मंदिर बदल जाएगा, लेकिन श्रद्धा जिससे आपने मंदिर बनाया वो करोड़ों साल वैसे ही रहते रहने वाली है। तो एक बिंदु निकला श्रद्धा, ये सभ्यता का बिंदु है, इस पर बहस नहीं होती, श्रद्धा है तो है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई हमारी श्रद्धा है कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए, अब इस पर बहस नहीं हो सकती, अदालत ये कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे, नहीं जी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पैदा हुए थे, ये अयोध्या उस समय की अयोध्या नहीं है, ऐसे तर्क चलते हैं ना, ये अयोध्या उस समय की नहीं है, ये कोई 500 साल बाद की है, या पुरानी अयोध्या तो डूब चुकी है, ये कोई नहीं है, ये बहस नहीं होती। हमारा मन कहता है कि जी भगवान राम का जन्म स्थान ये है तो वो खत्म हो गया, अब उस पर बहस नहीं होती। मंदिर पर बहस हो सकती है, मंदिर छोटा कर लो, बड़ा कर लो, कम कर लो, ज्यादा कर लो, सोने से कर लो, चांदी से कर लो, हीरे जवाहरात जड़ लो, या ऐसे ही बना लो, लकड़ी का बना लो, जो जैसा करना है, मंदिर बहस का बिंदु है, लेकिन भगवान राम का जन्म स्थान वो श्रद्धा का प्रश्न है। बात समझती है? हमने मान लिया कि भगवान महावीर यहाँ पैदा हुए थे, यही उनका गांव है, अब हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड हो, ऐसा कोई और बिंदु ख्याल में आता है आपके, दूसरा कोई बिंदु जो बदलता नहीं करोड़ों साल ऐसे चलता? कोई नहीं, में भी बड़ों का सम्मान, और 21वीं शताब्दी में जब घोर कलयुग है तब भी बड़ों का सम्मान वैसे ही चला आ रहा है। हम इससे भटकते हैं तो चिल्लाना शुरू करते हैं, यार हमारी सभ्यता बिगड़ गई है, जब हम बड़ों का सम्मान न करें तो हम चिल्लाना शुरू करते हैं कि सभ्यता बिगड़ गई है, लेकिन बड़ों का सम्मान ये एक स्थापना बिंदु है भारतीय सभ्यता का, जो करोड़ों साल पहले भी था, करोड़ों साल आगे भी रहेगा। दो बिंदु हो गए, बड़ों का सम्मान एक शब्द, तीसरा को ध्यान में आता है राजनीति, राजनीति इस पर डाउट है, राजनीति जो है ना वो संस्कृति का हिस्सा, संस्कृति के खाते में है, हाँ विश्वास, विश्वास और श्रद्धा बहुत नजदीक के हैं ना, इसलिए हम कहें तो श्रद्धा और विश्वास बहुत नजदीक के दोनों शब्द हैं, ज्यादा अंतर नहीं, विश्वास बदलता है, जो फर्म है पर में हमने जैसे कहा ना हमारा विश्वास है कि ये तो भगवान का ही पत्थर है, आप कभी कभी गांव में जाते हैं ना, कई बार गांव वाले कहते हैं तुमको मालूम है पांडव 7 दिन मेरे गांव में आके रहे थे, अब आप उसको बहस नहीं कर सकते, अब आप ये कहना शुरू करें सबूत दिखाओ पांडव तुम्हारे गांव में 7 दिन रहे, वो कहीं ले जाएगा पत्थर पर कोई बड़ा सा पैर दिखाएगा, देखा ये भीम का पैर, अगर हम उसकी कार्बन डेटिंग करें तो निकल भी सकता, नहीं भी निकल सकता, लेकिन उस पर बहस नहीं होती। हाँ ठीक है भाई ये भीम का पैर है, मैं पूरे देश में प्रवास करता हूँ तो अक्सर गांव में लोग कहते हैं तुमको मालूम है कृष्ण जी और रुक्मिणी को लेके आए थे तो हमारे गांव में रुके थे एक रात, पहला पड़ाव उनका यही हुआ था, तो मैं मान लेता हूँ वहां रुके होंगे, उस पर बहस नहीं की जा सकती क्योंकि वो मान्यता है, विश्वास है, ये विश्वास जो है ना बड़ी चीज होती है, इसी पर से सारी दुनिया बना सकती है। तो हमारी जो सभ्यता के स्थापन बिंदु है वो एक श्रद्धा हो गया, विश्वास हो गया, बड़ों का सम्मान हो गया, चौथा कोई बिंदु ध्यान आता है आपके मन में से लिखी है इंसानियत, ठीक है जीव दया प्रेम करुणा दया अहिंसा ये सब सभ्यता के स्थापन बिंदु है जो बदलते हैं, अहिंसा आज भी है राम जी के जमाने में भी थी, प्रेम दया करुणा आज भी है महावीर जी के जमाने में भी थी,
तो दया प्रेम करुणा अहिंसा अत्य अपरिग्रह धर्म ये जो सारे शब्द है ना ये सभ्यता के स्थापन बिंदु हैं। और सबसे आखिर में मैं आता हूँ, मैंने इन स्थापन बिंदुओं को बहुत दिन अभ्यास किया अलग अलग तरीके से और मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनमें सबसे पहला स्थापन बिंदु क्या है। सबसे पहले जो सबसे पहले आया सभ्यता के साथ सबसे पहला स्थापन बिंदु जिसमें से ये सब विकसित होते चले गए तो वो मुझे बहुत दिन सोचने विचारने बहस करने के बाद मेरे अपने गुरु थे श्री धर्मपाल जी उनसे बहुत दिन बहस करने के बाद जो स्थापन बिंदु सबसे पहला है भारतीय सभ्यता जहाँ से दुनिया में बिल्कुल अलग दिखाई देती है वो है पुनर्जन्म रीबर्थ री इंकारनेशन पुनर्जन्म वो दुनिया में कहीं नहीं है। पुनर्जन्म एक ऐसा स्थापन बिंदु है जो भारतीय सभ्यता में ही है और कहीं नहीं। बहुत सारे स्थापन बिंदु ऐसे हैं जो हमारी सभ्यता में है और दूसरी सभ्यता में भी है जैसे श्रद्धा हमारे यहाँ भी है। हम मानते हैं कि ये तो राम जी का जन्म स्थान है तो इस्लाम वाले कहते हैं कि जो ये जो जेरूसलम है इसमें तो हमारे पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे और ये हमें चाहिए ये हमारा ही स्थान है इसलिए फिलिस्तीन और इसराइल दोनों लड़ रहे हैं और 50 साल से लड़ रहे हैं। इसराइली लोग कहते हैं कि हमारे जो जो हुआ यहीं पे पैदा हुए थे यहूदी धर्म के जो आदि संस्थापक माने वो यहीं हुए थे वो कहते हैं जी पैगंबर मोहम्मद ये हुए थे कोई कहता है ईसा मसीह भी यहीं हुए थे। तीनों धर्म वाले अमृता का जो नींव है वो पुनर्जन्म है और अगर आप इसको ध्यान से देखना शुरू करें तो जिस सभ्यता में से पुनर्जन्म निकलेगा वहां अहिंसा धर्म अस्तेय परिग्रह ये सब निकलेगा क्योंकि आपको एक जन्म तो है नहीं जन्म आपका बार बार है तो अगर बार बार जन्म लेना है और बार बार जीवन बिताना है तो जीवन चलाने के लिए बहुत कुछ आपको लगेगा पानी चाहिए हवा चाहिए वृक्ष चाहिए ये चाहिए इसलिए सब लोगों को ये सिखाना ही पड़ेगा कि भाई पढ़ रहे उतना ही लो बाकी आने के लिए छोड़ दो। तो पुनर्जन्म अगर आप मानते हैं तो अपरिग्रह मानना ही पड़ेगा अगर आप पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो अपरिग्रह छोड़ सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप पुनर्जन्म को माने और अपरिग्रह को ना माने। आप कहेंगे मैं तो नहीं मानता अपरिग्रह को मैं तो परिग्रह परिग्रह में ही बात करूंगा तो फिर पुनर्जन्म ध्वस्त होने वाला है। तो पुनर्जन्म हमारी सभ्यता का मूल बिंदु है प्रस्थान बिंदु है और ये सबसे ज्यादा दुनिया में विचार चिंतन के बाद विकसित हुआ भारत में पुनर्जन्म का सिद्धांत। और ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है मैंने आपसे कहा ना सभ्यता के स्थापन बिंदुओं उन पर बहस नहीं होती तो ये हमारे खून में ऐसे घुसा हुआ है हम इस पर बहस नहीं करते करते हैं सबसे कम बहस इसी पर होती है। मानते हैं कि पुनर्जन्म लोग रात दिन लगे रहते लाखों पर और उसका उदाहरण देखना हो तो हर शहर में उपलब्ध है। मैं अगर ये वस्त्र छोड़कर भगवा कहीं और मोक्ष की बात करना शुरू कर दूं तो इसी नागपुर में मेरा व्याख्यान करने के लिए जगह नहीं मिलेगा। 10 लाख लोग 20 लाख लोग 50 लाख लोग क्योंकि वो उनके चिंतन में सबसे उच्चतम स्तर पर है। तो जो भी उनको पुनर्जन्म की बात करेगा मोक्ष की बात करेगा इस दुनिया से परलौकिक दुनिया में बेहतर जिंदगी देने की बात करेगा वहां सबसे ज्यादा लोग जाएंगे ही आप चाहे कितना रोकने की कोशिश करो। होता है कि प्रधानमंत्री की सभा करनी पड़े तो 100 रुपए देके बुलाना पड़े और लंच और डिनर पैकेज भी देना पड़े लेकिन अगर कोई पुनर्जन्म का पारलोक का जीवन सुधारने वाला आ जाए तो बिना आप किसी को सूचना दिए बस एक पोस्ट लगा दो लाखों लोग अपने आप आ जाएंगे अपना खर्चा करेंगे गाड़ी में डीजल डालेंगे समय बर्बाद करेंगे नींद खराब करेंगे और आएंगे। तो पुनर्जन्म हमारी मान्यता में सबसे गहराई तक घुसा हुआ है क्योंकि वो नींव है उसी पर हम खड़े हुए तो पुनर्जन्म भारतीय सभ्यता का सर्वोच्च शिखर कहिए या सर्वोत्तम स्थापन बिंदु कहिए जो कहना है। इस पुनर्जन्म से भारतीय सभ्यता दूसरों की सभ्यता से अलग है। आप चाहे तो इस्लाम की सारी किताबें पढ़ लीजिए कुरान पढ़ लीजिए हदीस पढ़ लीजिए जो भी कुछ पढ़ना कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है।
आप ईसाइयत की सब किताबें पढ़ लीजिए, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए, न्यू टेस्टामेंट पढ़िए, डेकार्ते को पढ़िए, लेबनिस को पढ़िए, प्लेटो को पढ़िए, अरस्तु को पढ़िए, किसी को भी पढ़िए, पुनर्जन्म कहीं नहीं है। यहूदी धर्म की जितनी भी किताबें हैं सबसे मुख्य है जीर्णावस्था, उसको पढ़िए, कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन भारत में कोई भी किताब ऐसी नहीं मिलेगी धर्म की जिसमें पुनर्जन्म ना हो। एक किताब आप ढूंढ के दिखा दीजिए भारतीयता में शास्त्र के रूप में जिसमें पुनर्जन्म ना हो। यहाँ पुनर्जन्म हर जगह मिलेगा क्योंकि वो स्थापन बिंदु है। तो यहाँ से हमारी सभ्यता का स्थापन बिंदु तय हुआ कि हम दुनिया में मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। अब इस पर आप कहोगे इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है, ये मूर्खता की बात है। ये जो हम कहते हैं ना पृथ्वी पवित्र है वो कहेगा रविवार, और इसको पूछ लीजिए इस्लाम वाले को तुम्हारा कौन सा दिन पवित्र है, शुक्रवार। तीन धर्म है माने तीन सभ्यताएं हैं, एक ईसाइत की है, एक यहूदी है और एक इस्लामिक सभ्यता है। तीनों के तीन अलग अलग पवित्र दिन है, एक का शुक्रवार, एक का शनिवार, एक का रविवार। और आपको मालूम है ये तीनों सभ्यताएं एक ही गांव में से पैदा हुई है। एक ही गांव है दुनिया में जिसका नाम है जेरूसलम, वहीं से ईसाइत निकली है, वहीं से यहूदी निकला और वहीं से इस्लाम निकला। एक ही गांव में से निकली तीन सभ्यताएं, लेकिन तीनों एक ही दिन को पवित्र नहीं मानते। बात समझ में आ रहे? एक कहेगा शुक्रवार पवित्र, एक कहेगा शनिवार, एक का। और ये शुक्रवार शनिवार रविवार का झगड़ा इतना जबरदस्त है कि पिछले 2500 साल करोड़ों लोग मर गए थे, युद्ध हुए हैं सिर्फ किसी को तय करने के लिए कि कौन सा दिन पवित्र है। तुम नहीं मानते रविवार पवित्र है, काट दो इनको, मार डालो सब। ये नहीं मानते शुक्रवार पवित्र है, इनको मार डालो सब। ये नहीं मानते शनिवार पवित्र है, इनको मार डालो। करोड़ों लोगों को पिछले 2500 साल की बात नहीं करता मैं, तो पिछले 50 साल की बात कर रहा हूँ। पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं ये झगड़ा जबरदस्त चल रहा है, शुक्रवार और रविवार या शनिवार। वो फिलिस्तीन का झगड़ा है अरबों और इसराइलियों में, ये झगड़ा तो दिन के ही पवित्रता को तय करने का झगड़ा है। 50 साल से हल नहीं हुआ, अगले 50 साल नहीं होगा या 200 साल भी नहीं होगा। क्यों? पुनर्स्थापना का बिंदु नहीं है कोई मजबूत उनके पास, इसलिए झगड़े तय नहीं हो पाते। हमारे यहाँ सभी झगड़े आसानी से तय हो जाते हैं क्योंकि पुनर्स्थापना का मजबूत बिंदु है। कोई भी बड़े से बड़ा झगड़ा हो, अरे यार क्या लेना देना, अगला जन्म लेना है कि नहीं है, छोड़ो इसको, नहीं कहा इसको लगा के फंसे हुए। कह देते हैं कि नहीं, जब गांव में बड़े से बड़े झगड़े निपटते नहीं है तो ये एक आधार बिंदु लाके बड़े से बड़े झगड़े खत्म कर दिए जाते हैं। क्या दुश्मनी पालना, अगला जन्म तुम्हें भी लेना मुझे भी लेना, तो ये दुश्मनी कितने दिन रखना, खत्म करो, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो जिन सभ्यताओं में स्थापना बिंदु मजबूत होता है वहां दृष्टि दूसरी होती है, जो मैं समझाना चाहता हूँ, विजन अलग। और जिन सभ्यताओं में स्थापना बिंदु नहीं होते हैं वहां विजन नहीं होता। ये जो मैंने आपसे कहा कि हम आपस में खराब से खराब झगड़े निपटा सकते हैं पुनर्जन्म के नाम पर, ये हमारा विजन है, दृष्टि। और यूरोप और अमेरिका वाले किसी भी बड़े से बड़े झगड़े को निपटा नहीं सकते, ये उनका विजन है, उनकी दृष्टि है, क्योंकि स्थापना बिंदु उनके पास कोई ताकतवर नहीं है। तो अब बात आती है और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि एक सभ्यता होती है उसके कुछ स्थापना बिंदु। हम जब कहते हैं ना पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म हो सकता है, हो सकता है मनुष्य का मिले, हो सकता है गाय बैल भैंस बकरी का मिले, हो सकता है चींटी भी हो जाए, हो सकता है हाथी भी हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी चराचर जगत में योनियां हैं मनुष्य को छोड़कर, मनुष्येतर योनियां, उनकी संख्या 84 लाख है। इनमें से किसी में भी हम जा सकते हैं, कर्म के फल के सिद्धांत के अनुसार ये तय होगा, यही है ना। अच्छा कर्म करेंगे तो गारंटी है अगले साल, माने अगले जन्म की, जो नहीं किया तो गारंटी नहीं है। गारंटी ये है कि कुछ खराब जन्म मिल जाएगा, चींटी हो गए, मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, मकोड़े हो गए, सांप हो गए, कीड़े हो गए, है ना। वो कभी कभी गाली देते ना, अगला जन्म सांप का मिलेगा, गांव में सुना है, जब बहुत गुस्सा आ जाए किसी को तो अगला जन्म तुझे सांप का मिले, बिच्छू का मिले, इस तरह से लोग गालियां दे देते हैं एक दूसरे, सुनते हैं ना। मैं भी सुनता हूँ बचपन से, इस तरह से सुनता हूँ। तो ये जो सांप बन जाना, बिच्छू बन जाना, ये दृष्टि है, विजन है। अब इस विजन में परफेक्शन जितना होगा सभ्यता उतनी ऊंची होगी।
तो हमने ये विजन बनाया कि पुनर्जन्म है वो सभ्यता का स्थापन बिंदु है, उसका विजन ये है कि अगला जन्म हमें लेना है। 84 लाख योनियां हैं, इसमें से किसी भी योनि में जन्म मिले तो भाई खराब काम मत करो, गलत काम मत करो, अधर्म की स्थापना मत करो, अधर्म के साथ मत चलो, नहीं तो अगला जन्म हो सकता है सांप का मिल जाए जो आप सिर्फ डसने का ही काम करें दोस्तों। तो ये एक तरह की दृष्टि है, इसी को जीवन दृष्टि कहते हैं, विजन ऑफ द लाइफ। हम देखते कैसे हैं दुनिया को, तो हम दुनिया को ऐसे देखते हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्यों की हमारी अपनी एक सभ्यता है जिसको भारतीय सभ्यता हम कहते हैं, उसकी स्थापना बिंदु है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और हमारी स्थापना है कि पुनर्जन्म 84 लाख योनियों में होता है। तो ये 84 लाख योनियां हैं, चींटी की एक योनि है, मक्खी की है, मच्छर की है, हाथी की है, खरगोश की, जो भी हमें दिखाई देता है जीव जगत में वो सबकी योनियों में हमारा जन्म हो सकता है। तो जितनी भी योनियां हैं वो सभी के साथ सह अस्तित्व में है, क्योंकि पुनर्जन्म तो होने वाला है ना कर्म के हिसाब से, किसी को मक्खी का किसी को मनुष्य का, तो मनुष्य भी चाहिए और मक्खी भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो जिनको मक्खी का होने वाला है और आपने मक्खी की योनि ही खत्म कर दी तो वो क्या करेंगे बेचारे अगले जन्म में? कुछ तो बनेंगे ही ना मक्खी, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस जन्म में कुछ मक्खियां तो है ही ना, तमाम तरह का डीडीटी, एंडोसल्फान, बेलाध्यान, पैराध्यान स्प्रे करके 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 भी मक्खियां हैं ना, मच्छर है ना, इतना मॉस्किटो कॉइल जलाते 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 मच्छर भी है ना। ऐसा नहीं है कि मच्छर हमेशा के लिए खत्म हो गए हो या मक्खियां बिल्कुल मर गई हो। और हमारी सरकारें जगह जगह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं, फिर भी कुत्ते हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं कि कुत्तों की संख्या मत बढ़ने दो, इनकी नसबंदी कराओ, जबरदस्ती कराओ, फिर भी कुत्ते हैं। इतने बड़े बड़े कतल खाने इस देश में चल रहे हैं जिनकी संख्या 35-36 हजार है, 4.5 करोड़ जानवरों को हर साल वो काट रहे हैं, फिर भी जानवर है ना। तो ये हमारी जीवन दृष्टि है, जीवन दृष्टि ये है कि कहीं भी कोई भी कभी भी पूरा खत्म नहीं होता, ये बात है जीवन दृष्टि, कहीं भी कभी भी कोई भी पूरा खत्म नहीं होता। और एक उदाहरण से समझाते हैं, जंगल की आपने वहां कहानियां सुनी है, जंगल को देखा भी होगा, जंगल में आप सब जानते हैं सबसे ताकतवर शेर है या बब्बर शेर है, तो बब्बर शेर अकेला है क्या? उसके साथ चीते भी हैं, हिरन भी हैं, खरगोश भी हैं कि नहीं? इतना ताकतवर बब्बर शेर जिसको आपने खुला छोड़ रखा है जंगल में करोड़ों साल से, फिर भी चीते हैं, लकड़ भगे हैं, खरगोश हैं, माने बब्बर शेर सबको मार के नहीं खा पाता, माने कुछ तो रह ही जाते हैं। ये जीवन दृष्टि है, और इस जीवन दृष्टि को हमने पता है किस सिद्धांत में बांधा है? हमने ये सिद्धांत में बांधा है कि प्रकृति संतुलन करती है, प्रकृति हरेक का संतुलन करती है। शेर है तो शेर के साथ चीता भी है, चीता है तो उसके साथ हिरन भी है, हिरन है तो उसके साथ खरगोश भी है, खरगोश है तो उसके साथ सांप भी है, अजगर भी होगा, करत भी होगा, रसल्स वाइपर सब होंगे, कोई किसी को खत्म नहीं कर पाता। ये भारत की जीवन दृष्टि है। गंभीर तो नहीं हो रहा ज्यादा विषय? अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ो। हमारी अपनी एक जीवन दृष्टि है, हमारी अपनी एक सभ्यता है, सभ्यता का एक स्थापन बिंदु है, उसमें से हमारी जीवन दृष्टि है। और जीवन दृष्टि है जब हमने ये मान लिया कि प्रकृति सबका संतुलन रखती है, मक्खी भी चाहिए, मच्छर भी चाहिए, क्योंकि अगला जन्म तो लेना ही है ना मक्खी मच्छर का, तो हमने इस फिलॉसफी को बांधने के लिए एक तत्व दे दिया, या हमारे किसी महान व्यक्ति ने दे दिया, जियो और जीने दो, क्योंकि संतुलन तो रखना ही है ना, अगले जन्म ठीक रखना, ये बांधता है पूरा, जियो और जीने दो। ये एक एक्सप्लेनेशन हमारी पूरी सिविलाइजेशन की कहानी कह देता है। जियो और जीने दो सभ्यता का बिंदु नहीं है, जियो और जीने दो हमारी जीवन दृष्टि है, सभ्यता का बिंदु तो पुनर्जन्म है, जो महावीर स्वामी भी मानते हैं और गौतम बुद्ध भी मानते हैं, जो आज से 3,500 साल पहले वो भी मानते हैं पुनर्जन्म, हम भी मानते हैं। तो जीवन दृष्टि हमारी ये है, जीव और जीने दो, माने प्रकृति में जो कुछ भी है उसके संतुलन से अपनी दुनिया चलाओ, ऐसा मत करो कि कोई एक चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
आप भी खत्म हो जाओगे। यहां तक आकर अब बात में थोड़ी डाइवर्ट करता, हमारी अपनी सभ्यता, हमारी अपनी जीवन दृष्टि, हमारी अपनी स्थापना। अब जरा यूरोप की बात करें, जब हम विदेशी संस्कृति और विदेशी सभ्यता की बात करते हैं तो उसका मतलब सीधा सा यूरोप है। अमेरिका यूरोप का ही हिस्सा है, ये आप सभी जानते हैं, मानते हैं कि नहीं? अमेरिका यूरोप का एक्सटेंशन है, अमेरिका अपने आप में कोई सिविलाइजेशन नहीं, और अमेरिका यूरोप का सबसे नया देश है, 250 साल पुराना, ज्यादा से ज्यादा। यूरोप के सबसे पुराने देशों में से एक है यूनान, जिसकी उम्र कम से कम 3,500 साल की। यूनान, ग्रीस 4,500 साल पुराना, अमेरिका मात्र 250 साल। तो अमेरिका कोई नई सभ्यता नहीं है, यूरोप की सभ्यता का ही एक तरह से रूपांतरण है, एक्सटेंशन है। तो जब भी मैं बात करूंगा यूरोप, तो आप ध्यान रखना इसमें अमेरिका भी शामिल है, कभी भी मैं नाम लूं या ना लूं। तो अब हम बात करते हैं विदेशी सभ्यता, विदेशी सभ्यता क्या है, उनकी स्थापना बिंदु क्या है। सीधे से विदेशी सभ्यता माने यूरोप की सभ्यता का स्थापना बिंदु है पुनर्जन्म नहीं होता, मानते ही नहीं। आप अगर ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है किसी भी मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। वो कभी कभी कहते हैं ईसा का हो सकता, मनुष्य का नहीं होता। हमारे यहां क्या कहते हैं, सभी का पुनर्जन्म होता है, मनुष्य हो या ईश्वर। उनके यहां क्या है, पुनर्जन्म सिर्फ ईश्वर का हो सकता है, होता है नहीं, हो सकता है। इसलिए वो बोलते हैं कि ईसा को सूली पर लटका दिया, थोड़े दिन के बाद वो फिर जीवित हो गए और अपने शिष्यों को उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा, उसी को उन्होंने 10 कमांडमेंट्स के रूप में अपने धर्म का आधार बना दिया। यही है ना पूरी कहानी उनकी। तो उनके यहाँ पुनर्जन्म नहीं है, हमारे यहाँ पुनर्जन्म है। क्योंकि हम पुनर्जन्म की बात करते हैं इसलिए प्रकृति को संतुलन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगला जन्म लेना, और वो पुनर्जन्म की बात ही नहीं करते हैं, तो उनको क्या लेना देना प्रकृति के संतुलन से। प्रकृति रहे या जाए, बाढ़ में रहे या चूल्हे में जाए, आग लग जाए ना लगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उनके जितने भी धर्मशास्त्र हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रकृति का भोग करो, खत्म हो जाए तो हो जाए, उसकी चिंता करने की बात नहीं। अब वो चिंता कर रहे हैं धर्म के आधार पर नहीं, पर्यावरण के आधार पर। गर्मी बढ़ गई है, आइस पिघल रही है, पानी बढ़ जाएगा, 1 मीटर पानी अगर समुद्र में बढ़ा तो यूरोप के 23 देश डूब जाएंगे, 50 लाख से ज्यादा यूरोप की आबादी डूब जाएगी। ये चिंता उनको धर्म के आधार पर नहीं हो रही है, ये चिंता उनको पर्यावरण के आधार पर हो रही है, क्योंकि दृष्टि उनकी वैसी है। तो उनकी दृष्टि में चूंकि स्थापना नहीं पुनर्जन्म की, इसलिए दृष्टि कैसी है, संकुचित आप कहें या जो नाम देना हो जाए, कि वो सिर्फ अपने लिए जिएंगे। अगला जन्म तो है नहीं, जो करना इसी जन्म में करो, पाप करो, पुण्य करो, भोग करो, भोग करो, ज्यादा भोग करो, कम करो, जो करना है वो यही जन्म है ना, अगला तो कुछ जन्म है ही नहीं। तो इसलिए उनके यहाँ जो भी कुछ करना है इसी जन्म में करना है, और ये जन्म तो 100 साल का ही है, तो हर काम उनको जल्दी करना है, हर काम जल्दी करना, क्योंकि 100 साल नहीं जिंदगी, ज्यादा ज्यादा 125 साल एवरेज एज उनकी 100 साल मानते हैं, 70-80 से 100, तो सब कुछ करना होगा तो जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि 100 ही बरस में सब कुछ करना है। हम क्या करेंगे जी, हमको तो ये जन्म है, अगला जन्म है, फिर और अगला जन्म है, तो क्या जल्दी जल्दी करना, हड़ू हड़ू सावकाश, सब काम हम धीरे धीरे करें, क्या जल्दी पड़ेगी। कहते ना क्यों जल्दी, हम तो बोलेंगे जल्दी का काम शैतान का, और वो बोलते हैं जल्दी का काम इंटेलिजेंट का। यूरोप में बिल्कुल उल्टा, जो जितनी जल्दी करेगा वो उतना इंटेलिजेंट, और हमारे यहाँ जो जितनी जल्दी करेगा वो उतना मूर्ख। मैं ही अपने जीवन में बहुत बार देखता हूँ, गांव के लोगों के बीच में जाता हूँ, साधारण लोग मुझसे सवाल करते हैं, राजीव भाई आप इतनी धड़पड़ क्यों करते हैं, आज ये गांव कल वो गांव, आराम से टिक के बैठो ना। तो मैं उनको कहता हूँ यार 7,32,000 गांव है, ठीक करना है, तो उनका यही जन्म है, अगले जन्म में कर लेना। तो मुझे लगता है कि सच में वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुझमें यूरोपियन सभ्यता के लक्षण दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल खरे भारतीय।
उनको गंभीर में शुरू करना चाहता हूँ। जब आपकी जीवन दृष्टि ऐसी है तो आपकी जरूरतें भी वैसी ही होंगी, होंगी क्या? जब आपकी जीवन दृष्टि जल्दी वाली है और प्रकृति में तो कुछ है नहीं, जो है हमारे भोग के लिए, खत्म होती है हो जाए, नहीं होती है नहीं हो जाए, तो हमारी जरूरतें दूसरी तरह की होंगी, ठीक है? और जरूरतें हमारी अलग तरह की होंगी तो जरूरतों में से निकलने वाली तकनीकी भी अलग तरह की होगी, टेक्नोलॉजी जिसको आप कहते हैं, उनकी जरूरतें अलग तरह की है तो उनकी टेक्नोलॉजी भी अलग तरह की होगी। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो जरूरत आधारित होती है, कभी भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो जरूरत आधारित होती है। तो हमारी जरूरतें धीमे 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 वाली है, उनकी जरूरतें बहुत फास्ट 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 वाली है, क्योंकि दूसरा जन्म है नहीं, पुनर्जन्म है नहीं, तो उन्होंने हवाई जहाज बनाया, रॉकेट बनाया, सुपरसोनिक बनाया और उससे आगे जाएंगे। अभी कहते हैं कि जितने स्पीड से जाता है वायु में ये साउंड का जो स्पीड है, हम उससे भी ज्यादा स्पीड के हवाई जहाज बनेंगे। कॉन्कॉर्ड बनाया 1200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार वाला, और अभी भी वो शांत नहीं है, वो कहते हैं अभी 1500 किलोमीटर वाला हो, 2000 किलोमीटर वाला हो, तो वो उसी तरफ जाएंगे और उसको कहेंगे हम विकास कर रहे हैं। हमारा क्या है? हमारी तो जरूरत ही दूसरी है, हरू हरू यहाँ सावकाश का, तो हरू हरू चला सावकाश चला, यही होगा ना। जब खाना धीरे धीरे खाएंगे तो चलना भी धीरे धीरे है, और धीरे धीरे चलना है तो हम बैलगाड़ी भी बनाएंगे, हम क्यों सुपरसोनिक में जाएंगे? अब बैलगाड़ी और सुपरसोनिक खेस दोनों का एक ही है पहिया, व्हील, तो व्हील से हम बैलगाड़ी बनाएंगे और व्हील से वो सुपरसोनिक जेट बनाएंगे। अगर आपकी जीवन दृष्टि भारत की है तो जरूरतें भारत की होनी चाहिए, अगर आपका स्थापना बिंदु भारत का है तो जरूरतें भारतीय होनी चाहिए, तब तो आपकी गाड़ी सीमेंट की से चलेगी, प्रकृति के साथ संतुलन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी जरूरतें आपने यूरोपीय बना लिया और जीवन दृष्टि भारत की रही, सभ्यता का स्थापन बिंदु भारत का रहा, तो यहीं से खिचड़ी बनेगी, घोटाला हो जाएगा, गड़बड़शाला हो जाएगा, वही आज इस देश में हो रहा है। सभ्यता का स्थापन बिंदु हमने बदला है, वो अभी भी वैसे का वैसे है, जीवन दृष्टि हमने बदली नहीं, वो वैसी की वैसी है, लेकिन जरूरतें बदल गई हमारी, और वो बदली हुई जरूरतों को भारतीय जीवन दृष्टि और सभ्यता में हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के सारे दुष्परिणाम है गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, मारामारी, हिंसा, परिवार का टूटना, संस्कृति का गिरते चले जाना, जो आपके शब्दों में मैं अगर कहूँ तो, या सभ्यता का गिरते चले जाना, ये सब उसी का गड़बड़ जाना। जैसे अब हम ठीक कैसे करें कि आजकल हम बहुत परेशान करते हैं, भारत में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो मुझे अक्सर शिकायत करते हैं, क्या राजी नई संस्कृति आई है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों, तो कहते देखो लड़कियां सड़क पर कैसे कपड़े पहनते चलती, ये सारे बुजुर्गों के मुंह से मैं सुनता, फिर कहते हैं क्या देखो फिल्मों में फंसे रहते हैं, फिल्में देखते हैं, तो समस्या ये क्या है? वो जो बुजुर्ग हैं जो ये कह रहे हैं, उनकी दृष्टि भारत की है, स्थापना बिंदु भारत का है, जरूरतें भी भारत की हैं, लेकिन उन्हीं के परिवार में एक पीढ़ी पैदा हुई है जिसकी दृष्टि तो भारत की है, स्थापना बिंदु भी भारत का है, जरूरतें यूरोप की हो। हमारे ही देश में एक पीढ़ी जवान हुई है जिसको सब कुछ जल्दी 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 चाहिए, तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तुरंत, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 20000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, कि मर गए तो यही छूटा, चलिए धूमिल हो गया अगला सिस्टम बीच हो गया, तो उसी में हम मारामारी में लग गए। अब इस मारामारी के अपने तर्क हैं और कुतर्क, क्योंकि यूरोप में जब ये सब चलता है कि आपको जीवन एक ही है, तो उस जीवन के एक ही होने के कारण सब कुछ जो आपको जल्दी करना है, तो शरीर तो आपका लिमिटेड एनर्जी का सोर्स है, अनलिमिटेड तो नहीं, लेकिन आप उसमें अनलिमिटेड काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 100 साल में सब कुछ आपको कर लेना है, भोग लेना है, अचीव कर लेना है, तो उसमें से पैदा होता है स्ट्रेस, तनाव, क्योंकि वो होने वाला है। अगर किसी मशीन की क्षमता है 10 घंटे काम करे, आप उसे 24 घंटे काम लोगे तो क्या होगा, मशीन दिसेगी कि नहीं, स्ट्रेस आएगा कि नहीं, उसको फ्रिक्शन बढ़ेगा कि नहीं मशीन में, वैसे ही शरीर को
तो हमारी जरूरतें यूरोप की हो गई लेकिन बाकी सब भारत का है, तो मन में पैदा हो रहा है स्ट्रेस, मन में भी और शरीर में, और उस स्ट्रेस के सबसे बड़े दुष्परिणाम के रूप में है वो बीमारियां जिनका कभी हमने हिंदुस्तान के शास्त्रों में जिक्र भी नहीं सुना कि ये भी कोई बीमारी होती है। चरक, सुश्रुत और भागवत ये तीन महान लोगों की ग्रंथ में पिछले 6-7 साल से पढ़ रहा हूँ, किसी के भी ग्रंथ में हार्ट अटैक की जानकारी नहीं है, और अगर है तो एक छोटे से रेफरेंस के रूप में है, माने शायद उनके जमाने में हार्ट अटैक होता ही नहीं होगा। और आज हिंदुस्तान में चरक, सुश्रुत, भागवत आ जाए तो उसको सब उलट करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा यार हमने तो जो लिख दिया वो गड़बड़ है, अभी हार्ट अटैक हमारी प्राइम डिजीज है। चरक, सुश्रुत, भागवत के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें डायबिटीज का जो जिक्र है वो रेफरेंस के रूप में है, रेफरेंस समझते हैं कहीं कोने में पड़ा हुआ, लेकिन आज के जीवन में डायबिटीज सबसे प्रमुख है, जीवन का हिस्सा, केंद्र बिंदु। कैंसर जो उनकी किताबों में कहीं रेफरेंस के रूप में हल्का फुल्का है, आज हमारी जिंदगी का सबसे मुख्य हिस्सा है कैंसर। तो ये कहां से आया, ये वहां से आया कि जरूरतें हमारी विदेशी हो गई, बाकी खाते हम देशी रहे, तो शरीर इसमें एडजस्ट कर नहीं पाता, तो उसका ये दुष्परिणाम। और थोड़ा सा आगे बढ़े, हरेक सभ्यता जिसकी अपनी एक स्थापना बिंदु है स्पष्ट सभी दुनिया में अलग, उस सभ्यता का अपना वातावरण भी है, पर्यावरण भी है, वो भी स्पष्ट है, वो दूसरों से मेल नहीं खाएगा। जैसे भारत, भारत का अपना वातावरण, अपना पर्यावरण, यूरोप से कभी भी मेल नहीं खाएगा, यूरोप का अपना पर्यावरण, अपना वातावरण, क्योंकि सभ्यता अलग है तो सब कुछ अलग होता है, क्योंकि सभ्यता शायद दूर तक अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वातावरण और पर्यावरण में से ही निकलती है, अगर और माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो वहां ये निकलेगा। तो भारत का वातावरण पर्यावरण भिन्न होगा, यूरोप का अलग होगा, क्योंकि दोनों की सभ्यता अलग है, जीवन दृष्टि अलग है, तो है अलग है। आप देख लो भारत का वातावरण है समशीतोष्ण, समशीतोष्णों को टेम्परेचर वेरिएशन में अगर मैं कहूँ तो 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा टेम्परेचर रेंज है, 15-45, तो कितना 30 डिग्री का ही है ना टेम्परेचर रेंज। अब यूरोप में चलो, यूरोप का जो टेम्परेचर रेंज है वो -40 से +40 है, 80 डिग्री का अंतर है, कितना बड़ा रेंज है। यूरोप में कुछ टिपिकल देश हैं जैसे ग्रीनलैंड, वहां नॉर्मल टेम्परेचर -40 डिग्री होता है, 40 डिग्री शून्य के नीचे। और इसी यूरोप का आखिरी हिस्सा है जो अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, फ्रांस का कुछ हिस्सा, जर्मनी का, वहां मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री होता है, तो ये उनका रेंज है। हमारा 15-45, उनका -40 से +40, 180 का अंतर अगर डिग्री वाइज देखें, +40 और -40, हमारे यहाँ इतना अंतर नहीं है। तो जिस देश में अंतर टेम्परेचर का बहुत कम है वहां के लोगों की जीवन शैली, और जिस देश में टेम्परेचर का अंतर बहुत ज्यादा है वहां के लोगों की जीवन शैली, अंतर तो होगा। अब अगर हम उस अंतर को ध्यान में नहीं रखें और उनकी अंधाधुंध नकल करने लेट करता है तो उनके यहाँ फिर उसी तरह की जीवन दृष्टि है, उसी तरह की जीवन शैली है, उसी तरह की जरूरत है, शायद उनको एयर कंडीशन होना बहुत जरूरी ही होगा, बहुत जरूरी है, शायद हमको उतना जरूरी नहीं भी होगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इतना नहीं, शायद उनको एलोपैथी की दवाओं की बहुत जरूरत होगी जो इतने टेम्परेचर वेरिएट करें और फिर भी सुरक्षित रहें, शायद हमको उतनी जरूरत नहीं भी होगी, शायद उनका खान पान एक तरह का होगा हमारा दूसरे तरह का होगा। और सबसे बड़ी बात कि जहां -40 डिग्री टेम्परेचर हो और 6-8 महीने लगातार चले, वहां जरा सोचो सूर्य का प्रकाश होगा क्या, अगर सूर्य का प्रकाश होता तो -40 डिग्री टेम्परेचर क्यों होता, तो इसका मानी वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो कुछ खास तरह के वायरस और बैक्टीरिया वहां होंगे जो भारत में नहीं होंगे क्योंकि यहां सूर्य का प्रकाश बहुत है, और कुछ खास तरह के वायरस और बैक्टीरिया जो वहां होंगे और भारत में नहीं होंगे तो कुछ खास तरह के वायरस और बैक्टीरिया के लिए जो दवाएं वहां बनाई जाएंगी शायद हमको उसकी जरूरत नहीं होगी, ऐसे तो होगा।
और जब टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज्यादा है तो खाने पीने की भी कुछ खास तरह की चीजें जो उनके यहाँ होंगी वो हमारे यहाँ नहीं होंगी। ऐसे ही चलेगा ना सबका, सब में अंतर आता जाएगा। और जहाँ तापमान नहीं है, सूरज की धूप नहीं है, वहां की खेती भी कुछ हमारे जैसी नहीं होगी, या तो खेती होगी ही नहीं, या तो साल में कभी एक आध महीने हो गई तो हो गई, बाकी दिन होगी ही नहीं। क्योंकि खेती अच्छी हो उसके लिए सूर्य का तापमान चाहिए, है ही नहीं सूर्य का तापमान साल में 8 महीने 9 महीने, तो खेती भी अच्छी नहीं होगी। खेती अच्छी नहीं होगी तो खेत की मिट्टी भी अच्छी नहीं होगी, मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो उसको तोड़ने में भी मुश्किल आएगी। तो शायद मिट्टी को तोड़ने के लिए उन्हें 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगेगा, भारत को शायद नहीं लगेगा। बात समझ रही, ये अंतर में आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूं। उनका जीवन, उनकी जीवन शैली, उनकी जरूरतें, वो सब उनके जैसी होंगी, हमारे जैसी नहीं हो सकती। हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारी जरूरतें हमारे जैसी होंगी, उनके जैसी नहीं हो सकती। अब अगर हम ये करने की कोशिश करें कि हमारी जरूरतें, हमारी जीवन शैली उनके जैसी करें, तो क्या होगा? कोई घोटाला। ना तो आप उनके जैसे हो पाएंगे, ना अपने रह पाएंगे, बीच में लटक जाएंगे खिचड़ी बनकर। तो बीच में लटक जाएंगे, वैसे ही हम सब बीच में लटके हुए लोग हैं। रोज की जिंदगी में देखो, रोज की जिंदगी में हम देखें कि हमारा टेम्परेचर वेरिएशन है 15 डिग्री से 45 डिग्री, और हम में से हिंदुस्तान में कुछ लाख तो है ही जो सूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, थ्री-पीस सूट पहनते हैं, और टाई इतनी टाइट बांधते हैं कि गर्दन भी ना हिले। ये 3-piece suit और टाई वो टेम्परेचर जोन की ड्रेस है जहाँ -40 है, यहाँ +40 है, क्या जरूरत है? फिर भी हमारे यहाँ कुछ भारतवासी हैं जो इस तरीके से ड्रेस करते हैं और बड़े शान से फख्र से आके बैठते हैं। मुझे मन में हंसी आती है कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और वो सुपर मूर्ख तब होते हैं जब शादी वाले दिन वो ड्रेस पहनते हैं, और शादी भी जून के महीने में हो तो सुपीरियोरिटी में मूर्खता। भयंकर मई जून की गर्मी अभी चल रही है, शादियां हो रही है, दूल्हे राजा घोड़े पर बैठे हैं, 3-piece suit और टाई लगा के, जो हमारे टेम्परेचर जोन को सूट नहीं करता। इसी तरह से भारत का जो टेम्परेचर जोन है उसी में खास तरह का खान पान होगा, होगा कि नहीं? उनका खास तरह का होगा। तो हमारे खास तरह के खान पान में हमने अपनी चीजें जो हजारों साल से विकसित करके लाई है और उन्होंने कुछ 200-250 साल में विकसित करके लाई है, दोनों में अंतर होगा। लेकिन हम अपना खान पान छोड़कर अगर उनका खाना शुरू करेंगे तो फिर घोटाला होगा। जैसे बहुत कम टेम्परेचर जोन में जवान रहते हैं तो जो भी चीज खानी पड़ेगी वो फर्मेंटेड हो तभी आप खा पाएंगे, उनके लिए फर्मेंटेड होना ही सबसे आवश्यक है। फर्मेंटेड को अगर आप सरल भाषा में कहें तो सड़ा के खाना ही आवश्यक है। गेहूं का आटा है, उससे वो पाव रोटी बनाएंगे तो सीधे नहीं बनाएंगे, पहले उसको सड़ाएंगे 3 दिन 4 दिन 5 दिन फर्मेंटेड होगा, फिर उसके बाद उससे पाव रोटी बनाएंगे, फिर खाएंगे, शायद वो उनको सूट करे। हम तो नहीं खा सकते 1 दिन भी फर्मेंटेड किया हुआ, क्योंकि हमारा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है। अब अगर हम भारत में रहते हुए पाव रोटी और डबल रोटी खाएंगे जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनी है तो उसमें घोटाला होने ही वाला है। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, आप पाव रोटी डबल रोटी खाएंगे तो ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, तो बड़ी आंत में सड़ के फंस जाएगी। यूरोपियन लोगों को वही डाइजेस्ट होती है, उनकी बड़ी आंत में सड़ते और फंसते नहीं बैठती है। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन टेम्परेचर जोन अलग अलग होने के कारण हमारे यहाँ असर उसका अलग है, उनके यहाँ असर बिल्कुल अलग है। आप अगर चाय कॉफी पीने लगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन यूरोपियन लोग वही चाय कॉफी पिएंगे तो उनके लिए वो औषधि का काम करेगी। अगर आप गर्म चीजें खाने लगे, ज्यादा तीखी मिर्ची और तली हुई चीजें खाने लगे तो वो आपका पित्त बिगाड़ देंगे, लेकिन यूरोपियन लोगों के लिए शायद वो पित्त सुधार देंगे। तो आप देखिए, हमारा जो टेम्परेचर जोन है वो एक खास तरह का, यूरोप का टेम्परेचर जोन दूसरे खास तरह का। तो हमारा खान पान अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, आचार व्यवहार अलग होगा, इसी को हम कहेंगे संस्कृति। अब मैं संस्कृति की डेफिनेशन करना चाहता हूँ, इतनी बड़ी भूमिका देने के बाद।
संस्कृति की अगर वो डेफिनेशन देनी हो तो चार आधार पे, पहला आधार आपका आहार, आहार, दूसरा आधार आपका आचार, आचार या व्यवहार जो आप उसको करें, तीसरा आधार आपकी औषधियां जो आपको जीवन में काम आए, या तो औषधियों को आहार का हिस्सा बना लें। तो आहार अगर औषधियों का हिस्सा हो तो तीन ही आधार है, आहार, आचार और विचार। आप एक खास तरह के मेंटेलिटी वाले हैं तो आपका विचार कैसा होगा, मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया, सारी दुनिया है, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जीव जंतु हैं, हमारा भी जन्म किसी दूसरी योनि में हो सकता है, तो सबसे मेलजोल करो, दोस्ती रखो, पता नहीं कब इसकी जरूरत आपको पड़ जाए, तो जियो और जीने दो, ये हमारा विचार। और उस विचार के आधार पर हम आचार करेंगे, फूल मत तोड़ो, पत्ती मत तोड़ो, ये वेस्ट मत करो, वो वेस्ट मत करो, तो हम ये जो अपने आचार को गढ़ेंगे इनको हम कहेंगे संस्कार। ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये करना है, ये नहीं करना, ये सब कुछ चला जाएगा संस्कार। तो आप सुनते हैं ना बार बार भारतीय संस्कृति संस्कार प्रधान है, क्योंकि संस्कृति का मूल तत्व जो आचार है वो तो करने न करने से आता है। तो आपका मूल तत्व अगर आचार है तो करना न करना तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, तो संस्कार तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, बिना उसके तो हम चल नहीं पाएंगे। और अगर चलने की कोशिश करेंगे तो इसमें डूब जाएंगे। तो भारतीय संस्कृति उसके तीन मूल आधार, आहार, आचार और विचार। विचार क्या, जियो और जीने दो, ये विचार। अपरिग्रह हमारे संस्कार आधारित विचार, अहिंसा संस्कार आधारित विचार, अशौच संस्कार आधारित विचार, ये सब उसमें चलता चला जाए। और इसी में से फिर आपकी जीवन और दुनिया बनती चली जाए। मैं पता नहीं कितना स्पष्ट कर पा रहा हूं, ये विषय सच में बहुत जटिल होता है, सभ्यता और संस्कृति का। आपको आगे बढ़ना, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो ठीक है, मजा आ रहा है, और कुछ ऐसा लग रहा है कि नया सुन रहे हैं। आज तक आपने शायद बहुत लोगों के मुंह से सभ्यता संस्कृति शब्द सुने हो लेकिन उनका अंतर ना पता हो, संस्कार क्या होते हैं वो बहुत बार सुने हो लेकिन उनका आधार क्या होता है ये पता नहीं। तो संस्कृति हमारी तीन तत्वों में विभाजित हो जाएगी, आचार विचार और आहार। अब अगर हम आचार विचार और आहार अपने हिसाब से करेंगे, माने सभ्यता को ध्यान में रखते हुए, तब तो हम अपने जीवन को सुरक्षित, निरोगी और समाज उपयोगी और बाकी सब चीजें खड़े में जाएंगे। अब हम इसमें देखना ये शुरू करें कि हमारी जिंदगी की संस्कृति या जो भारत की संस्कृति है, इसके ये जो तीन मुख्य तत्व है या आधार है, इसमें कहाँ कहाँ हमारा गड़बड़ घोटाला हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, फिर वो कैसे ठीक हो सकता है, तब ये आज की पूरी परिचर्चा का कोई सार्थक परिणाम निकले। आप देखिए आहार में कुछ परिवर्तन लगता है आपको हुआ, टेम्परेचर जोन के हिसाब से भारत का और यूरोप का हुआ, हुआ, विचार में लगता हुआ, और आचार में हुआ, तीनों ही जगह हुआ। लेकिन कितना परसेंट हुआ है ऐसा कुछ अंदाजा लगा सकते, कितना परसेंट परिवर्तन आप मान, आहार में मैं ये कहूं 10% हो गया, 50% हो गया, ऐसा लगता है आपको सबको 50% परिवर्तन हो गया आहार में, नहीं हुआ कितना, 20 15% से शुरू करें और 20 तक मान लें या 25, चलो ठीक, एक साधारण वेरिएशन मान के चलें कि 15 से 25%, ज्यादा ज्यादा 30% परिवर्तन हुआ। इसका मतलब क्या है, मैं ये इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अगर ये 15 से 30% का परिवर्तन हम ठीक कर लें तो हम भारतीयता में आ जाएंगे इस दृष्टि, ठीक है, 25%, चलो ठीक है। और एक दूसरे प्रश्न में बात करता हूँ, हमारे आचार में कितना परिवर्तन है, 50 प्लस, चलो 50 प्लस मान लें कि आचार में परिवर्तन है। और आखिरी विचार में क्या परिवर्तन है, 80%, मान लो वो भी 50 प्लस,
एक ही कहना थोड़ा वो चला जाएगा डिबेट में, 50 प्लस है तो 50 प्लस का परिवर्तन विचार में है, 50 प्लस का परिवर्तन आचार में है और 15 से 25% आहार में। इसका मतलब ये हुआ कि आहार में हमारे अभी भी सबसे कम परिवर्तन आया है, यही हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय आहार ही ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की आबादी का करीब करीब 25% हिस्सा विदेशी आहार ग्रहण कर रहा है। अब विदेशी आहार क्या है वो आप सब जानते हैं, पिज्जा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, कोल्ड डॉग है, पेप्सी कोला है, कोका कोला है, सॉफ्ट ड्रिंक है, हार्ड ड्रिंक है, बियर है, वाइन है, ये सब है, उनके आहार में आ गया है 25 से 30%। अब ये आहार आपकी जिंदगी को कैसे बदलेगा ये जरा हम देख लें कि हमारी जिंदगी बनाई है भगवान ने और उसके अंदर के जेनेटिक मटीरियल दिया है जिसको आप जीवन सूत्र कहते हैं, गुण सूत्र कहते हैं, तकनीकी भाषा में इसको डीएनए और आरएनए कहते हैं, ये उस टेम्परेचर जोन के लिए बनी है जो 15 से 45% वाला है, ठीक है। तो 15 से 45% का टेम्परेचर वेरिएशन वाले एरिया में रहने वाला जो शरीर है वो खास तरह का होगा, वो कैसा होगा, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, यही होगा ना। इसलिए भारतीय जलवायु को समशीतोष्ण कहते हैं, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी। तो जलवायु जैसी है गर्म करे और या तो इसको बहुत ठंडा करेंगे तो समस्या पैदा होती है। तो अब आप ध्यान रखिए आज से कि आपकी जीवन शैली में आपका आहार ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर को ना तो बहुत ज्यादा गर्म कर दे ना बहुत ज्यादा ठंडा कर। अब इसको नाम नहीं बहुत गर्म हो जाए, आप खुद ही बता सकते हैं। सबसे ज्यादा चाय कॉफी से भी पहले बियर वाइन विस्की शराब जिसको आप एक शब्द में देखें, शराब ये पहला आहार है जो आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म कर देता है और शरीर में जरूरत से ज्यादा गर्मी आने के कारण ही मनुष्य वो सब करता है जो सामान्य स्थिति में उससे करने की अपेक्षा नहीं की है, ठीक है। तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा गर्म करे ऐसी शराब अगर है तो ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है और जो आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है वो आपकी संस्कृति के भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपकी प्रकृति के संस्कार ही संस्कृति को निर्धारित करेंगे तो आपकी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें ये तय करना चाहिए कि शराब हमारी प्रकृति और संस्कृति के अनुकूल नहीं है तो ना पिए। और ये गर्म कैसे करता है, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति को जैसे ही आप शराब पिलाते, कोई भी शराब पिलाते, कोई भी, इमीडिएट उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए, इमीडिएट। और आयुर्वेद की भाषा में कहूं, ये एलोपैथी की भाषा में मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए, आयुर्वेद की भाषा में मैं कहूं तो तुरंत उसका पित्त बढ़ना शुरू हो जाए, पित्त माने आग लगना शुरू होती है शरीर। अब आपका शरीर तो समशीतोष्ण है, ध्यान रखिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। जब आग लगेगी अंदर से शरीर में तो शरीर की सारी प्रतिरक्षा प्रणाली इस आग को शांत करने में लगेगी और तब तक लगेगी जब तक ये आग शांत नहीं होगी। तो प्रतिरक्षण प्रणाली को काम करने के लिए रक्त ऊंधन के रूप में चाहिए, तो आपका रक्त शरीर का सारे अंगों से भागकर वहां आएगा जहां आपकी आग को शांत करने का काम चलेगा, माने पेट की तरफ सारा रक्त आ जाएगा। और अगर आपने शराब पी और पेट की तरफ आपका सारा रक्त आ गया, इसका माने रक्त जहां जाना चाहिए वहां नहीं होगा, ब्रेन को चाहिए वहां नहीं है, हार्ट को चाहिए वहां नहीं है, किडनी को चाहिए वहां नहीं है, लीवर को चाहिए वहां नहीं है, वो सब आ गया पेट में। और ये रहेगा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो 2 से 5 घंटे तक आपके शरीर के बाकी ऑर्गन रक्त की कमी से तड़पेंगे और उनमें डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए शराब पीने वालों के अंदर के सारे अंग खराब होते हैं, वो इस कारण से होते हैं। आप मैंने कहा बहुत ज्यादा शराब पीने वालों के अंदर के अंग सब गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, किडनी खराब हो गई, लीवर डैमेज हो गया, पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है, हार्ट बराबर काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, और इसलिए उनको मृत्यु की दर सबसे ज्यादा है या उनको तकलीफ की दर सबसे ज्यादा है। इसलिए भारत की प्रकृति और संस्कृति में शराब का स्थान नहीं है।
फिर आप कहेंगे जी सोमरस तो था, सोमरस और शराब में बहुत बड़ा अंतर है, उसको आप समझ लीजिए। अंतर क्या है? सोमरस और शराब दोनों का अंतर उतना ही है, इसको ध्यान से कहिए सुनिए, सोमरस और शराब का अंतर उतना ही है जितना डालडा और गाय के घी का है। डालडा और गाय के घी का अंतर आप समझ सकते हैं, इतना ही अंतर सोमरस और शराब में। सोमरस जो है आयुर्वेद का एक औषधीय रूप है, आयुर्वेद में एक औषधीय रूप है जो आपके शरीर के शांत पित्त को बढ़ाने का काम करता है, माने भूख ज्यादा ठीक से लगे इसके लिए सोमरस पान किया जाता है भारत में। शराब और सोमरस में जमीन आसमान का अंतर है। शराब क्या करती है कि जो पित्त आपका पहले से शांत है उसको भड़का देती है। एक सुलगना होता है, एक भड़कना होता है, दोनों शब्द आप समझ पाएंगे। आग कहीं धीरे धीरे सुलग रही है तो खतरे की संभावना बहुत कम है, और भड़क के लग गई है तो आस पड़ोस की बिल्डिंगें जल जाएंगी। तो शराब जो है वो पित्त को भड़काती है और सोमरस पित्त को सुलगाता है। तो सुलगा हुआ पित्त ये तो हमें चाहिए, भड़का हुआ नहीं चाहिए, माने शराब नहीं चाहिए, चाहिए तो सोमरस चाहिए। अब आप कहेंगे जी सोमरस बनता कैसे है, उसकी विधि है, उसकी विधि है, आप चाहो तो मूवी में बता सकता हूँ। हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए भागवत, उन्होंने सोमरस में सोमरस बना के पान कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको जिंदगी में कभी भी पित्त का रोग नहीं होगा, और जो शराब पिया तो कोई गारंटी नहीं है कि कब आपका पित्त भड़के और कब मर। सोमरस बहुत ही संतुलित है, ये कुछ इस तरह की चीज है जैसे आप नींबू का शरबत पिए, ठीक है, और नींबू का शरबत पिए तो आपको कैसा लगेगा, और खाली नींबू का रस निचोड़ कर पिए तो कैसा लगेगा। शराब वैसा ही कुछ है नींबू का खाली रस, और सोमरस वैसे ही कुछ है जो नींबू की शिकंजी। शिकंजी सबको पीने के लिए आयुर्वेद कहेगा, नींबू का रस सबको नहीं चलेगा, वो कोई बहुत गंभीर बीमारी का कोई वस्तु नहीं आनी चाहिए जो शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म करे, उसमें सबसे पहली वस्तु शराब। तुम्हारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है शराब, तो आप कहेंगे कि इतनी शराब अब पीने लगे ये कहां से आए, ये यूरोप की नकल की है। हम दुर्भाग्य से 400 450 या 500 साल तक हम भारतवासी यूरोपियन की संगत में फंस गए, या तो उनके गुलाम हो गए, तो उनकी नकल कर करके हमने ये शुरू कर दिया। भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा है। आगे बढ़े, शराब एक वस्तु हुई जो हमारे आहार में फिट नहीं बैठती। दूसरी वस्तु जो आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म करे, उसमें दूसरे पॉइंट पर है कॉफी और चाय। शराब तो बहुत ही भड़काती है पित्त को, कॉफी और चाय भी पित्त को भड़काता है, लेकिन शराब से थोड़ा कम, नींबू की शिकंजी से तो कई गुना ज्यादा। तो अब मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब आपकी संस्कृति और प्रकृति में चाय और कॉफी भी संभव नहीं है आहार के रूप में। फिर और थोड़ा आगे चले, और कौन सी गर्म चीजें हैं जो आपके शरीर को एक लिमिट से ज्यादा गर्म करती है, जो रोज जीवन में आप इस्तेमाल करते हैं। मिर्च मसाला बिल्कुल सही कहा, मिर्च और मसाले ये पित्त को जरूरत से ज्यादा गर्म करते हैं। तो तीसरी चीज आप ध्यान रखिए कि आपकी जो प्रकृति है और संस्कृति है उसमें ज्यादा मिर्च मसाले में, लाल मिर्च हमारी प्रकृति में कहीं भी नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं, तो कम से कम लाल मिर्च को तो विदा कर दीजिए। आपको मालूम है ये लाल मिर्च पुर्तगाली आए हमारे यहाँ, वो लाए पुर्तगीज लोग, हमारे यहाँ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ काली मिर्च है, और लाल मिर्च भोजन से निकल जाए तो और भी अच्छा। कौन सी ऐसी चीज है जो रोज के जीवन में है जी? फास्ट फूड बिल्कुल सही बात है, जो फर्मेंटेड ज्यादा है वो गर्म बहुत करेगा। और मैंने आपसे कहा पाव रोटी है, फास्ट फूड का मुख्य आधार पाव रोटी है, तो पाव रोटी फर्मेंटेड है। फर्मेंटेड कोई भी चीज आप खाएंगे तो आपके बॉडी टेम्परेचर को बहुत इंक्रीज करने वाला। तो ये जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड में पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब कुछ, इसको फास्ट फूड न कहें, यूरोपियन फूड, क्योंकि फास्ट फूड तो भारत में भी है,
फास्ट फूड का हमारे यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है, जल्दी पचने वाला भोजन सबसे अच्छा है खिचड़ी, वो बहुत फास्ट फूड है। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में फास्ट फूड की जो डेफिनेशन है ना, आसानी से जल्दी से पचने वाला भोजन, उसमें नंबर एक पर खिचड़ी है, नंबर एक पर खिचड़ी और पूरे भारत में खाई जाती है। और दूसरे नंबर पर इडली है, इडली जो अभी आधे भारत में खाई जाती है, दक्षिण में तो पूरे में आधे भारत, इडली। तीसरा है सांभर, चौथा है रसम, पांचवा है उत्तपम, और ये पूरी सूची है 100 से ज्यादा वस्तुओं की फास्ट फूड। तो फास्ट फूड भारत में भी है, बस आप उसको विभाजन ऐसा करिए, यूरोपियन फूड पिज्जा इडली पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन। और एक चीज है जो आप बार बार ध्यान नहीं ला पा रहे, मैं बता देता हूँ, शरीर को गर्मी जरूरत से ज्यादा भड़काने वाली एक और चीज है आपके भोजन में, वो है मांस। आप क्योंकि खाते नहीं इसलिए आपके ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन भारत के भोजन में मांस जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार के आंकड़े हैं कि भारत के कतल खाने पहले विदेशियों के लिए चलते थे, अब उनकी जरूरत ही नहीं है, स्वदेशी लोग ही इतना मांस खाने लगे हैं कि उसकी पूर्ति नहीं हो। तो मांस हमारे शरीर में ऐसी ही एक वस्तु है जो जरूरत से ज्यादा हीट जनरेट करेगी, क्योंकि मांस को पचना उतना ही मुश्किल है जितना शराब को पचना होता है। इसलिए भारतीय भोजन में मांस तत्व का निषेध रहा है, प्रकृति में भी और हमारी संस्कृति। तो आप कहेंगे क्या भारत में करोड़ों साल किसी ने मांस नहीं खाया? हमारे यहाँ ध्यान ये रखिए कि आपके शरीर को संतुलन रखना है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। ऐसी स्थिति में कुछ चीजें वर्जित है, उसमें शराब है, मांस है, चाय है, कॉफी है, लेकिन अगर शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा हो गया है और उसको वापस गर्म करना है, तो मांस औषधि के रूप में इस देश में कुछ कुछ शास्त्रों में खाने का विधान है, सभी में वहां भी नहीं। जरूरत से ज्यादा ठंडा हो, अब उसको गर्म करना है वापस, या तो ठंडा हो जाए तो हो जाने दो, मर जाने दो, खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसको बचाना है और जिंदा रखना है तो कुछ स्थिति में कहा गया है कि इस पक्षी का मांस या इस पशु का मांस इसको खिला दिया जाए, लेकिन अस्वस्थ होने की स्थिति में। भारत में सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे, अगर 1,00,000 पेशेंट को हम देखेंगे तो मुश्किल से 5 पेशेंट ऐसे आएंगे जिनका शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा होता हो, क्योंकि यहाँ जरूरत से ज्यादा ठंडा होने के लिए गुंजाइश नहीं है। 15 डिग्री के नीचे तो आपका तापमान कभी जाता नहीं है, और बाहर के तापमान से अंदर का तापमान अपने को लगातार संतुलित रखने की कोशिश करता है, इसी के लिए शरीर काम करता है, इसलिए ज्यादा ठंडा होने का गुंजाइश नहीं है। हाँ, भारत के कुछ इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर, वहां बहुत ठंडा हो सकता है, क्योंकि -5, -6, -10 तक चला जाए, तो वो जब मांस खाए तो कभी कभी उनके लिए काम आ सकता है, लेकिन नागपुर में रहने वाला कोई मांस खाए जहां +45 से भी आ गए तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित है। तो अब हम इसकी सूची ध्यान में रखते हैं, शराब, चाय, कॉफी, मांस, बहुत ज्यादा तीखे मसाले, ये सब वर्जित है हमारे आहार में। इसलिए भारत में बार बार कहा जाता है कि स्वस्थ रहना है तो सात्विक आहार लो, तामसिक नहीं, सात्विक। तामसिक आहार हमारे लिए वर्जित है, तो तामसिक आहार में ये सब आता है, मांस, मदिरा, मछली, कुछ भी तरह का मांस, कितनी भी तरह की उसमें तीखापन, मिर्ची वगैरह, ये उसका हिस्सा। तो हम आहार के बारे में करें कि अब हमारे आहार में थोड़ी शुद्धि आए तो हम भारतीय बन जाए, माने ज्यादा गर्मी वाला खाना ना खाए, ठीक है। अब इसी में थोड़ा जुड़ा हो, ज्यादा ठंड वाला भी ना खाए जो शरीर को एकदम ठंडा कर दे। अब शरीर को एकदम ठंडा करें ऐसी क्या चीज है जो आप भोजन में यूज कर सकते? आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स, ये दो चीज है, या बर्फ के बने हुए कोई भी पदार्थ, आइसक्रीम से बने हुए कोई भी पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक से बने, ये शरीर को जरूरत से ज्यादा ठंडा ना कर दे, इसलिए इनका भी वर्जन। इसलिए भारतीय आहार में सॉफ्ट ड्रिंक्स और हॉट ड्रिंक्स दोनों ही प्रतिबंध, कोल्ड ड्रिंक्स और हॉट ड्रिंक्स। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते। आहार की शुद्धि अगर हम कर लें तो संस्कृति हमारी काफी वापस आ जाएगी।
माने भारत में आप रहते हैं तो भारत के ही भोजन उपयोग करना जो हजारों साल से चले आए, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। अब आप बोलेंगे जी हमें पता ही नहीं है, इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में दादा दादी के साथ बैठ जाइए, नाना नानी के साथ बैठ जाइए, आपके घर में कोई भी बुजुर्गों के साथ बैठ जाइए जिनकी उम्र आपसे ज्यादा है, कम से कम एक पीढ़ी ज्यादा है, वो सब आपको लिस्ट बना देंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। उस पर मुझे व्याख्यान देने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में दादा दादी नाना नानी है तो नहीं है तो कभी दोबारा उससे सोचेंगे बात करें। अभी मुझे विषय पूरा करना है इसलिए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरे बिंदु पे आते हैं। आहार हुआ, आहार के बाद अब आ जाइए आचार। आचार आपका ऐसा रहे जो 15 डिग्री से 35 डिग्री के वेरिएशन में एडजस्ट करे, तो आचार आपका ऐसा है। आचार में पता है क्या आता है, पूरी दिनचर्या और जीवनचर्या ये आचार में आती है। सवेरे से शाम तक आपका दिन कैसे बीतना चाहिए ये पूरा का पूरा आपके आचार में आता है। दिनचर्या, दिन को कैसे बिताना, ऋतुचर्या, ऋतु माने जो मौसम बदलते हैं उसमें आपका आचरण कैसा होना चाहिए। अभी एक खास तरह का मौसम आ गया बारिश का, तो उस समय आचरण कैसा होना, बहुत ठंडी का मौसम आ गया तो आचरण कैसा होना, और बहुत गर्मी का मौसम आ गया तो आचरण कैसा होना। तो ऋतु के आधार पर सबसे मुख्य आधार है ऋतु, तो ऋतुचर्या उसको कहा गया, और दिन सवेरे से शाम तक। तो सवेरे से शाम तक और ऋतु के आधार पर अगर आप अपना जीवन चलाना शुरू करें तो आप भारतीयता में वापस आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे इसके बारे में कुछ माहिती है क्या? हाँ है, छोटी छोटी माहिती है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं तो शरीर भी समशीतोष्ण रहे, समशीतोष्ण हर जगह सम में रहे शरीर। आयुर्वेद में भी ये कहते हैं कि वात पित्त कफ तीनों सम में रहे, भारतीय लोगों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। तो शरीर की कोई भी अवस्था सम से ना जाए, माने ज्यादा सोए नहीं एक क्योंकि सम टूटेगा, ज्यादा जगे भी नहीं उसमें भी सम टूटेगा। तो जगना और सोना दोनों संतुलित नियमित है। तो शास्त्रों के आधार पर भारत के लिए जगने और सोने की जो अवधि तय की गई है वो दो तरह से तय की गई है, एक तो ऐसे लोग जो शरीर श्रम बहुत करते हैं और एक तो ऐसे लोग जिनका शरीर श्रम कम है। तो जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं उनके लिए सोना कम से कम 8 घंटे और जगना 16 घंटे, सोना 8 घंटे जगना 16 घंटे। शरीर श्रम करने वालों को स्पष्ट निर्देश है भारतीय शास्त्रों में कि जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा उनको सोना ही पड़ेगा शरीर को सम रखने के लिए। लेकिन जो शरीर श्रम ज्यादा नहीं करते उनके लिए सोने का है 6 घंटे और जगना है 18 घंटे। अब आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर शरीर श्रम नहीं है आपका तो 6 घंटे सोना पर्याप्त है, और शरीर श्रम है तो आगे। लेकिन कभी कभी एक छूट दी गई है, वो ये कि आपका शरीर जब स्वस्थ महसूस करे उतनी देर सो लेना, ये तीसरी एक कैटेगरी बनेगी। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। जब आप कोई बीमारी की स्थिति में है, कोई रोग की स्थिति में है, तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ महसूस ना करे तब तक सोए, और जब स्वस्थ महसूस करे तो जगे, वो बीमारी की स्थिति है। तीसरी बात, स्वस्थ होने की स्थिति 8 और 6 घंटे की, श्रम करने वालों को 8, नहीं श्रम करने वालों को 6, और बीमारी की स्थिति में जब तक आप सोएं और महसूस करें स्वस्थ वहां तक तो 10 घंटे भी हो सकता है, 12 घंटे भी हो सकता है। ठीक है, हमारे भारतीय शास्त्रों में एक स्पेशल कैटेगरी है, अलग से लिखा गया है बच्चों के लिए। बच्चे होते हैं 1 साल की उम्र तक के बच्चों को 18 घंटे सोना, 3 साल तक की उम्र वालों को 16 घंटे, 5 साल तक की उम्र वालों को 14 घंटे, और उससे आगे 7-8 साल के हो जाएं तो 12 घंटे, फिर 10 साल के हो जाएं तो 8 से 10 घंटे, जैसे ही वो 12 साल क्रॉस करें तो 8 घंटे। जो शरीर श्रम वाले हैं उसी कैटेगरी में आ गए, और 15 साल की उम्र का लड़का या लड़की माना जाता है कि वो मनुष्य होने की स्थिति में है तो फिर वही श्रम वाला, अगर मानसिक श्रम करता है तो 6 घंटे, शरीर श्रम करता है तो 8 घंटे। तो आप इस फॉर्मूले को अपने जीवन में हमेशा ध्यान। ठीक है, तो 16 जगना हुआ,
अब इसमें थोड़ा आगे है आचार सोना गढ़ना। अब अगर आपने सोना गढ़ना फिक्स किया है तो टाइम फिक्स करना, अगर आपकी 8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है तो रात को कितने बजे सोना आपके लिए फिक्स करना पड़ेगा। 8 घंटे की नींद चाहते हैं तो रात में कम से कम आपको 8 बजे 9 बजे तक तो सो ही जाना पड़ेगा, तभी 8 घंटे की नींद हो सकती है। तो इसका माने ज्यादा देर रात्रि जागरण भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है, तो ज्यादा रात्रि जागरण ना करें। लेकिन समय विशेष पर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको जागरण करना ही पड़े तो वो साल में 2-4 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये समय विशेष कोई आया, आपके घर में कोई पूजा हो रही, महाभारत का पाठ या मान लीजिए रामचरित मानस का अखंड पाठ हो रहा है तो 24 घंटे पूरा होता है, तो उसमें एक विशेष परिस्थिति है। तो साल में 1 दिन आप ऐसा, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन, हफ्ते भर का पीरियड है जो आप इसके लिए निकाल सकते हैं, लेकिन रोज का ये नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि बेचारे ये लोग जो कंप्यूटर पर बैठ बैठ के अमरीकी लोग अमरीकियों का काम करते रहते हैं, जिनको आप सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट करते हैं या बिजनेस प्रोसेस हाउसिंग में काम करते हैं, ये सब लोग भारतीय संस्कृति के विपरीत हैं। रात को सोते हैं, रात को जगते हैं, दिन को सोते हैं, और इसी का दुष्परिणाम है 35-40 की उम्र तक आते आते किसी को दमा, किसी को अस्थमा, किसी को हार्ट अटैक, किसी को डायबिटीज, किसी को नपुंसकता, ये सबसे ज्यादा बढ़ गई। मैं होम्योपैथी का डॉक्टर भी हूं और निःशुल्क प्रैक्टिस करता हूं सेवा के, तो मेरे पास मैक्सिमम केसेस आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे डॉक्टर बताना नहीं चाहिए वो नपुंसकता क्या, और मैक्सिमम कैटेगरी जो है वो इन्हीं लोगों की है जो सॉफ्टवेयर में, बिजनेस प्रोसेस हाउस में और आउटसोर्सिंग के काम में लगे, पति और पत्नी दोनों। पत्नी 35 साल की है, पति 40 साल का है, 10 साल शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए, और वो कहते हैं जी राजीव भाई वो धीमे से बोलते हैं, कोई ऐसी दवा बताओ कि अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सके। तो मैं उनको मजाक करता हूँ कि यार तुमने पुराने राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं पढ़ी, कहते क्या कहानी, मैंने कहा एक एक राजा के पास 100-100 रानी होती थी, कैसे संतुष्ट करता था, तुम एक को नहीं करता। तभी वो परेशान हो, मैंने कहा सोचो तो सही कि एक राजा के पास 100 रानी तो संतुष्ट करता होगा, नहीं तो भाग जाएंगी कि नहीं, कहते रहेंगे उसके पास, और तुम मेरे को नहीं संतुष्ट कर पा रहे, तो तुम्हारे जीवन शैली में और राजा के जीवन शैली में क्या अंतर आया जरा देखो। तब उनको ये नपुंसकता सबसे बड़े पैमाने पर चल रही है इस क्लास में जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं या बिजनेस प्रोसेस हाउस में काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत डर लगता है कि इस पूरे क्लास में 70% नपुंसक स्त्री और पुरुष को 70%, इसलिए उनके यहाँ बच्चे ज्यादा नहीं हुए। आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चे करना नहीं चाहते, हो ही नहीं रहे, करना नहीं चाहते वो बात अलग, हो ही नहीं रहे, क्योंकि जीवन शैली का ये जो बिल्कुल उल्टा हो गया, रात को जगना सुबह को सोना, यहाँ तो बहुत तकलीफ है। तो भारतीय सामने अगर रात को आप सोते नहीं और दिन में आपको सोना रात को 5 के बीच, कोशिश करिए अगर इसको फॉलो करें। इसको फॉलो करने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके घर में है, अगर आप उसके विजय पाने को आसान है, टेलीविजन, अगर टीवी का कनेक्शन काट सकें, या तो कंट्रोल आपका इतना हो कि हम जब चाहेंगे तभी स्विच ऑन होगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और आपके बच्चे भी आपको देखकर करेंगे। टीवी रखिए लेकिन कंट्रोल रखिए रिमोट पर, और अगर कंट्रोल नहीं है तो कनेक्शन काटेंगे, उसमें कुछ दुविधा मत पाएंगे कि कनेक्शन काटेंगे तो दुनिया से पिछड़ जाएंगे, ऐसी उसमें कोई बात नहीं आ रही है कि आप दुनिया से आगे निकल जाए, उसको देखिए जो पिछड़ने की कल्पना आपसे है, कोई जानकारी ऐसी नहीं आ रही है जो आपको दुनिया से आगे निकालती हो, तो पिछड़ने का डर क्यों। तो ये सोने का, जगने का, खाने का, और थोड़ा आगे बढ़े आप भारतीय आचार में सवेरे से शाम तक हमारी दिनचर्या है, तो कब सोना है तो वो तय है, कब उठना है वो भी तय हो गया, कितनी देर काम करना है, कितनी देर आराम करना है, ये तय हो गया। अब इसमें आपको कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, एक ही चीज ध्यान रखिए, भारतीय जीवन समशीतोष्ण है तो हर जगह सम रहना चाहिए, न ज्यादा चलना न ज्यादा बैठना,
ना ज्यादा बैठना ना ज्यादा चलना, माने चलना भी ज्यादा मत करिए बैठना भी ज्यादा मत करिए। तो आप बोलेंगे हमारे शरीर को कितना चलना चाहिए, भारतीय जो जीवन है 15 से 35 डिग्री वाला, इसमें एक दिन में 5 किलोमीटर चलना पर्याप्त है, इससे ज्यादा कभी मत चलिए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ आने वाली है। मैं अभी इसे बताता हूँ, बहुत लोगों को ऐसा होता है ना हम ज्यादा चलेंगे तो शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा, ये बेकार की बात है। 5 किलोमीटर से ज्यादा भारत में मत चले, नहीं तो क्या होता है, चलने से वायु का प्रकोप बढ़ता है शरीर में, और वायु एकत्रित होती है गर्म, वो सब सिर में एकत्रित होती है, क्योंकि गर्म वायु तो ऊपर ही उठेगी ना, तो पांव से उठना शुरू होती है, सिर में इकट्ठी होती है, और सिर में गर्म वायु इकट्ठी हो जाए तो कभी भी पैरालिसिस आ सकता है, एनी टाइम पैरालिसिस आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है किसी भी समय, इसलिए 5 किलोमीटर से ज्यादा चलने की कभी भी कोशिश मत करें। हाँ, कोई विशेष परिस्थिति है तो 2-3 साल में एक बार कर सकते, जैसे आप तो तीर्थ यात्रा तो निकल गए हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा रोज नहीं होती, साल में कभी एक बार या 2 साल में कभी एक बार, तो आयुर्वेद ने उतना आपका ध्यान रखा है कि कोई विशेष परिस्थिति हो साल में एक बार या 2 बार तो आप पैदल ज्यादा चल सकते हैं। आपने देखा जैन मुनि भी पैदल चलने के बाद उनके निश्चित दिन होते हैं कि इतने दिन विश्राम करना ही पड़ेगा तभी दोबारा प्रवास को शुरू करेंगे, और फिर अगर उनको सतत पैदल चलना है तो उसका पूरा विज्ञान विकसित हुआ है, तो क्या खाना है जो उनके वायु को लगातार कंट्रोल करे। इसलिए ऋषि मुनियों का खाना आपसे बिल्कुल अलग होता है, कब सोना कब उठना कब बैठना कितना चलना कितना नहीं चलना, ये सब आप सम पे रखिए, और सम का अंदाजा लगाना अपने शरीर के लिए बहुत आसान है, जितना करने मात्र से आप स्वस्थ महसूस करें वो आपके लिए सम, और जितना करने मात्र से आपको लगने लगे कि मैं अब अस्वस्थ हो गया वो आपके लिए असम, तो सम पे रहिए असम पे मत जाइए। और आखिरी विषय आचार हो गया आपका आहार, अब विचार, विचार में हमारी जो जीवन दृष्टि है वो ध्यान रखिए हमेशा, हम प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे भी जन्म लेना है और यही प्रकृति की मदद से हमें जिंदा रहना है, तो प्रकृति का नष्ट हो ऐसा कोई काम अपने जीवन में मत करें। अब प्रकृति को नाश करने वाले बहुत सारे काम हैं, जैसे उनमें से एक काम है सिगरेट पीना, जो सबसे ज्यादा प्रकृति का नाश करता है, कई तरह से नाश करता है, एक तो जो धुआं आप छोड़ते हैं उसमें जहर है, दूसरा सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, कागज के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, प्रकृति का नाश होता है, और तंबाकू उत्पादन करने के लिए बहुत सारा धान उत्पादन बंद करना पड़ता है, वहां फिर नाश होता है, और फिर आप पीते हैं तो आपका और पड़ोसी का दोनों का ही नाश होता है, तो सिगरेट नहीं पीना जिससे प्रकृति हमारी संतुलन में है, और शरीर भी है क्योंकि सिगरेट भी गर्मी करती है, तंबाकू भी गर्मी करती है, गुटखा भी बहुत गर्मी करता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए शरीर, तो बीड़ी सिगरेट गुटखा पान शराब मांस ये सब आप नहीं कर पाएंगे, भारतीय प्रकृति, प्रकृति को नाश ना हो ऐसा कोई दूसरा काम तो आप देखिए कौन कौन से आपके काम है, जैसे पानी का इस्तेमाल करना, प्रकृति का नुकसान ना हो इतना ही पानी का इस्तेमाल आप करें, माने जरूरत से ज्यादा पानी आपके लिए दुरुपयोग ना हो। अब जैसे आप एक बाल्टी में स्नान कर सकते हैं तो एक ही बाल्टी उपयोग करें, 10 बाल्टी आप अपने शरीर पर डालें और वो पानी वेस्ट जाए क्योंकि आप पानी बना नहीं सकते, तो पानी का स्नान का अपना मित व्यय था, जैसे खर्चे के लिए मित व्यय आप होते वैसे पानी के लिए, क्योंकि पानी इस समय बहुत बड़ा संकट का कारण बना हुआ, तो दिन में एक बाल्टी पानी से नहाते हैं तो उतना काफी है, एक बाल्टी से कपड़े धोते हैं तो उतना काफी है, लेकिन इसमें लगातार चिंतन करते रहिए कि और कुछ कम हो सकता है क्या, जैसे शॉवर में नहाना बंद करें तो पानी बचत हो, डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोना बंद करें तो पानी की और ज्यादा बचत हो, क्योंकि डिटर्जेंट से सबसे ज्यादा पानी बर्बाद होता है, डिटर्जेंट के कपड़े कभी भी आप धोते रहिए उसका झाग निकलना बंद नहीं होता, 10 बाल्टी में भी धो दीजिए तो कोशिश करिए कि डिटर्जेंट कम से कम इस्तेमाल करें, वो साबुन इस्तेमाल करें जो ऑयल केक के रूप में आता है, बट्टे वाला साबुन जिसमें पानी सबसे कम लगता है। इसी तरह से वायु है, शुद्ध वायु चाहिए, तो शुद्ध वायु के लिए प्रकृति का नाश ना हो, मैंने आपके हाथ से पेड़ ना कटें, क्योंकि पेड़ ही है जो वायु को उत्पन्न कर सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो आपकी तरफ से ज्यादा पेड़ लगे ना कि काटे जाए, तो इस तरह का जीवन आपका आए तो विचार वहां आ जाएगा, आचार यहाँ आ जाएगा, आहार आ जाएगा, संतुलन आ जाएगा, तो संस्कृति आ जाएगी, संस्कार आ जाएंगे, आप भारतीय सामने वापस आएंगे। ये मेरे आज के इस पूरे व्याख्यान का निचोड़ है।
अभी कोई प्रश्न हो तो कुछ, वरना ये विषय तो बहुत लंबा भी चल सकता है क्योंकि डेढ़ बज रहा है, 11:30 से मैंने बोलना शुरू किया डेढ़ बजे। आप अगर कहें तो 10 मिनट में स्पेसिफिक आपको वो वाला हिस्सा फिर से बता दूं, ये बहुत आवश्यक है। हाँ हाँ जी, एक अपने व्याख्यान ने कहा कि पैदल 5 किलोमीटर तक चलना चाहिए सामान्य व्यक्ति। गाड़ी घोड़े तो अभी वर्तमान में आए हैं, पुराने जमाने में तो जैसे आदमी खेत जाता था, बाहर गांव जाता था, तो 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर का अंतर रहता था जी। पर अभी भी कहते हैं कि वॉकिंग करना चाहिए, तो कोई बता 3 किलोमीटर करता, 4 किलोमीटर करता, और बाद में तो करता ही दिन तो ये थोड़ी और सामान्य। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये समझने की जरूरत है कि भारत में आज से 100 साल पहले तक किसी को भी 5 किलोमीटर से ज्यादा रोड चलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी कुछ होता था वो उसके आसपास हो जाता था, जैसे भोजन नजदीक में ही उपलब्ध हो जाता था सबको, कपड़े बिल्कुल नजदीक में उपलब्ध हो जाते थे सबको। लोग पैदल यात्रा करते थे दो ही कारण से, या तो उनको तीर्थ यात्रा पे जाना पड़े, या तो उनके किसी रिश्तेदार के घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह होगा, दो ही स्थिति में रोज कोई भी 50 किलोमीटर पैदल नहीं चलता उस जमाने में। साल में कभी एक बार या दो बार, कभी कभी तो 10 साल में एक बार या दो बार चलता। जब तीर्थ यात्रा पे जाना होता था, गाड़ी घोड़े नहीं थे, ये बात बिल्कुल चल रही, तो वो दसियों साल में कभी एक बार तीर्थ यात्रा पे जाते थे, दसियों साल, कभी कभी 15 साल में, 20 साल, रोज नियम के रूप में 50 किलोमीटर चलना बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल वर्जित। गांधी जी भी इसको बहुत हिसाब से कैलकुलेशन करते थे, वो पदयात्राएं करते थे ना, तो एक पदयात्रा से दूसरे के बीच 10 साल का अंतर रखते थे, एक की 1919 में, दूसरी की 1930 में 11 साल के बाद, तीसरी की 1942 में 12 साल के बाद, मतलब बिल्कुल गणित लगा के वो काम करते थे गांधी। तो वो इसलिए शायद बिना दवा के इतने दिन जिंदा रहे इस देश में। तो आयुर्वेद का बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है कि आपको रोज की जिंदगी में 5 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़े तो आप तय मानिए कि कोई ना कोई असंतुलन पैदा होगा, उसमें वायु असंतुलन सबसे ज्यादा होगा, और वायु असंतुलन से 48 रोग हैं जो हमारे देश में। इसलिए वॉकिंग भी ज्यादा नहीं और सिटिंग भी ज्यादा नहीं, रोज अगर आप 5 घंटे बैठे हैं या 6 घंटे बैठे हैं ये भी ठीक है। बैठने का एक सिटिंग में 1.5 घंटे का नियम है, 1.5 घंटे लगातार बैठने के बाद उठना ही चाहिए थोड़ी देर, नहीं तो पीठ में ये जो आपके तरह तरह की बीमारियां सबसे ज्यादा स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है उन्हीं लोगों को है जो लगातार 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी पर बैठते हैं। सम में रहिए तो सम के नियम है 1.5 घंटे से ज्यादा एक साथ सिटिंग करिए, 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, और 8 घंटे से ज्यादा सोइए मत उसको भी ब्रेक दीजिए, 5 किलोमीटर से ज्यादा चलिए मत उसको भी ब्रेक दीजिए। इस तरह के कुछ नियम है जो शरीर को संतुलित रखने में मदद करते हैं जी। और जो हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज थी जिसमें एम्प्लॉयज सब वहां शिफ्ट हो, तो सरकार इसमें कुछ नहीं करना चाहती? सरकार की तरफ से अगर कुछ आउटसोर्सिंग जाता है तो उनकी वो पॉलिसी है, तो सरकार तो नहीं करेगी, लेकिन हम अपने शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रखना चाहते हैं, हम जरूर कर सकते हैं। ये बीपीओ में काम करने वाले लोगों को जिनको ये लगता है कि 15,000 की पगार है, 20,000 की, 40,000 की, उनको अगर थोड़ा माइक्रो लेवल पे बात करें तो सब खुल जाता है। उनको पूछना कि भाई 40,000 की पगार किसके लिए? अपने शरीर को सुख देने के लिए ना, सुख देने के लिए। और वो सुख आप कैसे देंगे? 40,000 की पगार में सबसे पहला सुख देंगे कि AC लगाएंगे घर में, दूसरा बड़ा सुख देंगे तो कार लाएंगे घर में, तीसरा बड़ा सुख देंगे तो 90,000 का या 1,00,000 का गाड़ी लाएंगे, जापान फ्लाइट या बैग लेके आएंगे, चौथा बड़ा कोई सुख देंगे, तो यही सब उनकी परिभाषा में चलता जाएगा। लेकिन धीमे से पूछिए ये सुख है कि सुविधाएं है? ये सुख है या सुविधा है? सुविधा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी है कि आपने हर सुविधा में से सुख मिले? क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो 90,000 के जापान स्लाइस के बैग पर सोते हैं और नींद ही नहीं आती, 4-4 कंपोज खाते हैं फिर भी करपटे बदलते रहते हैं, नहीं आती नहीं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके घर में इटालियन मार्बल्स के टॉयलेट्स बने हुए हैं, लेकिन टॉयलेट रूम में 2-2 घंटे बैठना ही पड़ता, बाहर ही नहीं आ सकते क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है।
तो सुविधाओं में से सुख मिलता है ऐसा कभी होता नहीं। सुख जो है मन की एक विशेष अवस्था है जो बिना सुविधाओं के भी प्राप्त हो सकती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूंगा कि कोई आदमी है बहुत दुखी है, आपने देखा कि ये बहुत दुखी है, इसके दुख को दूर करने के लिए आपके पास कोई भी क्षमता है, पर आपने उससे काम किया, थोड़ी देर के लिए वो सुखी हो गया, आप उससे ज्यादा सुखी हो गए। माहेश्वरी समाज के युवकों को मैंने कई जगह देखा है सेवा काम करते। एक बार मैंने देखा कच्छ में, ये भूकंप आ रहा था, तो मैं उनसे कहता था क्यों आए हो, घर बार दुनिया पत्नी बच्चे सब छोड़कर, करोड़ों का बिजनेस छोड़कर रात दिन भाग रहे। तो वो धीरे से कहते थे सुख प्राप्ति के लिए आए, तो वहां सुविधा तो कुछ नहीं थी, खाने का समय नहीं, पीने का समय नहीं, सोने में जगह नहीं, सड़क पे ही सोना पड़ता है, गाड़ी में ही सोना पड़ता है। लेकिन वो कहते थे कि राजीव भाई ये 4 महीने जो सुख मिला वो 40 साल जिंदगी में नहीं मिला, क्योंकि आपने दूसरों को सुख देने का प्रयास किया। तो दूसरे को दिया हुआ थोड़ा सा सुख आपके लिए बड़ा रिटर्न बनता है, इसमें सुविधा का कोई स्थान नहीं। तो हम कोशिश करते हैं सुखी हो, जरूर हो, सबका अधिकार है सुखी होने का, लेकिन ध्यान ये देने की जरूरत है कि सुविधाओं में से सुख निकलता है। तो धीरूभाई अंबानी सबसे सुखी आदमी होता है, जो खुद कहता था कि 4 कंपोज खाने के बाद भी उसको नींद नहीं आती, और आप जानते हैं कि अनिद्रा की समस्या में ही उसकी मौत हुई। नींद नहीं आती थी, हृदय का कारण, निद्रा का कारण अंबन है। तो सभी पैसे वाले करोड़पति सुखी हो जाते अगर ऐसी ही, तो सुख का सुविधा का अंतर करना ही है। हम 40,000 की, 50,000 की, 5 लाख की, 10 लाख की नौकरी करके सुविधाएं जुटा सकते हैं, लेकिन सुख में के ऐसी स्थिति की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर उसमें फंसना क्या है। अगर मान लीजिए 5 लाख की नौकरी आप करें और सुविधाएं जुटाएं, तो 12 घंटे काम तो करने में पड़ेगा, 12 घंटे काम करके शरीर में डायबिटीज आ गया, आर्थराइटिस आ गया, ब्रोंकाइटिस आ गया, हार्ट अटैक आ गया, फिर 5 लाख की इनकम आई, तो उसमें से 2.5-3 लाख हर साल डॉक्टर को गया, 1.5-2 लाख किसी एजेंट के कहा, तो फायदा क्या इतना सब मददमारी करने का, बचा तो वही 50,000 अंश में कैलकुलेशन। इससे अच्छा ये है कि अगर जिंदगी में नियम और प्रकृति और संस्कृति के हिसाब से चलो, भले पगार कुछ कम है लेकिन सुखी रहने की गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मजदूरों को देखा बहुत सुखी है, उनका कभी भी ब्लड चेक कराओ तो ट्राइप्राइड नॉर्मल निकलता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल निकलता है, नींद भी अच्छी आती है, तो कहते हैं हम सड़क पर सो जाते हैं, हमें बहुत खुशी है। तो सुविधा और सुख में थोड़ा अंतर करना हम सब सीखे। भारतीय संस्कृति में सुख ये दुनिया में और कहीं कहा ही नहीं गया। आप जितने श्लोक पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, वो सब सुखी होने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदपि, कोई दुखी हो ही नहीं, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। तो ये ऐसे हजारों सूत्र हैं। तो सुखी होना तो बहुत परम तत्व है भारतीय संस्कृति का, लेकिन सुविधा युक्त तो होना ये कहीं भी किसी श्लोक में नहीं। हम अभी फंसे हैं सुविधाओं में, एमिनिटीज में हमने सुख खोजना शुरू किया है, वहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और ये रियलाइज होता है ड्यूटियों में जो काम करते हैं उनको 2-3 साल के बाद तुरंत रियलाइज होता है, लेकिन फिर वो ऐसे चक्कर में फंसे होते हैं, ऐसे चक्कर में कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। हाँ है, बिल्कुल सही, मेंटली तो इतने ज्यादा है कि बहुत तकलीफ। चलिए खत्म करें या कुछ और प्रश्न। जी व्यायाम करने से भी शरीर में गर्मी आ जाती है, बिल्कुल आती है, उसका भी नियम होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को 20 मिनट से ज्यादा व्यायाम नहीं करने की सलाह दी गई है, किसमें, आयुर्वेद। आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है भागवत संहिता, उसमें श्लोक है, उसमें ये कहा गया है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है और मानसिक श्रम करता है, मैं आपको ध्यान में रख के कह रहा हूं, उसको 20 मिनट से ज्यादा विश्राम नहीं करना चाहिए। और ये 20 मिनट का कैलकुलेशन फिर आगे उन्होंने और डिफ्रेंशिएट किया कि उसको उतना ही व्यायाम करना चाहिए जितना करने मात्र से उसकी ये जो दोनों क्या है बगल कहते हैं इसमें पसीना आ जाए, बस उतना ही व्यायाम। जैसे ही आपकी दोनों बगल में पसीना आया आपको व्यायाम रोक देना चाहिए। तो बगल में पसीना
पसीना आके मैंने करके देखा है 20 से 22 मिनट व्यायाम करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन कोई आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जिनको 10 मिनट नहीं आता तो 10 मिनट ही आपके लिए पड़ेगा। बदन का पसीना जैसे ही शुरू हुआ व्यायाम उतना ही आपके लिए पर्याप्त है, उससे ज्यादा करेंगे तो वही गर्मी माने वायु का प्रकोप पड़ेगा और वायु आपके सिर को सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित करते हैं, तो इसलिए ज्यादा व्यायाम भी नहीं करना है, सम में रहना है। और अगर आप शरीर श्रम कर रहे हैं तो आयुर्वेद ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आपको कोई व्यायाम कतई करने की जरूरत नहीं, आपका जो श्रम है वही व्यायाम। अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो ये है 20 मिनट पर, कोई मजदूर है रोज फावड़ा चला ही रहा है कुदाली खोद ही रहा है उसको प्राणायाम करने का निषिद्ध है, बिल्कुल क्रॉस, प्राणायाम नहीं करना, योग नहीं करना, उसको आहार पर ध्यान देना बस इतना स्पष्ट होता है। आहार उसको ऐसा खाना चाहिए जो वायु के प्रकोप को हमेशा कम करे, और वायु के प्रकोप को कम करने वाले आहार में घी सबसे ज्यादा, तेल सबसे ज्यादा, क्योंकि ये वायु को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है तेल और घी, तो शरीर श्रम करने वालों को तेल ही सबसे ज्यादा। जी कह रही हूँ वेस्टर्नाइजेशन से बचने के लिए जो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अभी, हाँ। वापस आने के लिए क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी बातें करें, देखिए अगर आप छोटी छोटी बातें अपने जीवन में करें तो इस वेस्टर्नाइजेशन से बचो। जैसे उसमें से एक बात मैंने आपसे कही कि कोशिश करें रात को जल्दी सो जाएं, 8-9 बजे सुबह जल्दी उठ जाएं, एक बात। दूसरी बात, वेस्टर्नाइजेशन से बचने के लिए शरीर को सम पे रखना, माने वात पित्त कफ तीनों आपके संतुलित रहे, तो इसके लिए कुछ सूत्र मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो इनको लिख लीजिए नहीं तो याद कर लीजिए। वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे आपके जीवन में, कभी भी आपको कोई रोग ना आए, तो उसमें पहला नियम है इसको सुबह जल्दी सोना रात को और जल्दी उठना। दूसरा नियम है कि जैसे ही उठें तो पानी पीना, क्यों पीना वो ध्यान रखिए। सुबह जब सोकर उठते हैं तो वायु का प्रकोप होता है, सुबह के समय प्रकृति में हमेशा वायु का प्रकोप होता है, सुबह के समय आप जब भी महसूस करेंगे तो देख लीजिए सुबह के समय ही सबसे ज्यादा हवा चलती है, तो सुबह के समय प्रकृति में वायु का प्रकोप है तो शरीर में भी वायु का प्रकोप है। वायु का प्रकोप उठते ही आपको तकलीफ ना कर दे इसके लिए पानी पीने का विधान है। अब आप इसको ऐसे समझिए उदाहरण से, बहुत तेज हवा चल रही है और तुरंत बारिश हो गई तो हवा शांत होती है, ऐसी शरीर में बहुत तेज वायु उठ रही है और पानी जैसे ही पिएंगे तो शांत होती है, तो सुबह का नियम है उठते ही पानी पीना। कितना पीना? तो लगभग 3 गिलास, प्यास है नहीं है तो 3 गिलास आपके लिए, मैंने आप ये सुन रहे हैं, बच्चों के लिए 1 गिलास, 1 से 1.5। तो सुबह उठना, जल्दी उठना, उठते ही पानी पीना, कम से कम 3 गिलास पानी पीने का नियम है कि हमेशा सिप करके पीना, कभी भी ऐसे एक सिप 2 सिप जैसे गर्म दूध पीते हैं ऐसे पानी पीना, क्यों? मुंह में लार है, ये लार जो है ना क्षारीय है और पेट में अम्ल है ना, एसिडिक होता है पेट जिसमें HCl है और मुंह में लार है ये क्षार है, तो शरीर में अगर नीचे एसिड है ऊपर क्षार है तो सम नहीं रहेगा, तो शरीर सम रहे तो ये क्षार जो है अम्ल में मिल जाए तो सम हो जाता है। आप जानते हैं क्षार और अम्ल मिले तो न्यूट्रल होता है कि नहीं, लवण बनता है, तो हमेशा शरीर न्यूट्रल रहे इसलिए लार हमेशा अम्ल में मिलती रहे इसके लिए पानी सिप करके पीने का विधान है। पानी जितना थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे अम्ल से उतना ही क्षार का मुलाकात होता रहेगा, जिंदगी भर शरीर सम में रहेगा माने विषमता नहीं आएगी माने रोग नहीं आएगा। तो पहला नियम बताया जल्दी सोना जल्दी उठना, दूसरा उठते ही पानी पीना, पानी सिप करके पीना। चौथा नियम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था लेकिन इसको नियम के रूप में मैंने बांधा है, ठंडा पानी नहीं पी सकते क्योंकि भारत में टेम्परेचर वेरिएशन आप जानते हैं, तो फ्रिज का पानी बर्फ का पानी 15 डिग्री से ज्यादा नीचे होता है, बर्फ डाला हुआ पानी 4 डिग्री का, फ्रिज का पानी 4 से 5 डिग्री का, इसको कभी नहीं पीना क्योंकि ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म हम नहीं लेते, तो ठंडा पानी नहीं पीना माने रूम टेम्परेचर का पानी हमेशा पीना, माने मटके का पानी घड़े का पानी वो रूम टेम्परेचर का ही लगभग है उसको पी सकते हैं। फिर उसके आगे पानी कभी भी खड़े होके नहीं पीना, बैठ के पीना, क्योंकि खड़े होके पानी पीने में वही समस्या है, बैठ के पानी पिएंगे तो पानी रुकते रुकते नीचे उतरता है,
खड़े होके पिए तो तुरंत उतर जाता है। कैसे मालूम? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। अभी आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आपके ऊपर सबसे ज्यादा ग्रेविटी फोर्स है खड़े, और आप जो बैठे हैं आपके ऊपर सबसे कम ग्रेविटी है, क्योंकि जैसे ही बेंडिंग होता है बॉडी का तो ग्रेविटी शिफ्ट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है, तो उसके कारण ग्रेविटी को है उसको लेते हुए जाएगा, और खड़े होकर पिएंगे तुरंत ग्रेविटी के साथ जल्दी से नीचे चला जाएगा, तो लाल मिट्टू मिलेगा उन्हें, तो पेट का अम्ल अम्लता बढ़ाएगा, तो तकलीफ आएगी, इसलिए पानी बैठ के पिए। ऐसे ही आगे का वही नियम है, भोजन भोजन धीरे धीरे खाना, सावकाश हड़ू हड़ू, क्योंकि लार ज्यादा उसमें मिलना चाहिए, क्योंकि लार सबको पेट में जाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना। फिर उसके आगे का एक नियम है, भोजन कभी भी खड़े होकर नहीं खाना, जो भी बैठ के करना वहां भी ग्रेविटी का फसल है, तो भोजन बैठ के करना, धीरे धीरे करना, और भोजन में कभी भी दो ऐसी चीजें नहीं खाना जो एक दूसरे के विपरीत हो, एक ठंडी दूसरी गर्म। उदाहरण के लिए ऐसी बहुत वस्तु है जो एक दूसरे के विपरीत है, चाय कॉफी और आइसक्रीम खतरनाक, गर्म खाना और आइसक्रीम और भी खतरनाक। अक्सर मैं जाता हूँ दावतों में, देखता हूँ खाना गर्म होता है आइसक्रीम खिलाते हैं सबको मारने का शौक, और वो भी इन्विटेशन दे के बुलाते हैं, आइए हमारे यहाँ खाइए फिर मरिए, और वो समझते हम पतियों का स्वागत कर रहे हैं, ये मूर्खता। हाँ बहुत सारा गर्म बहुत सारा ठंडा लगता है, खड़े खड़े तो बिल्कुल नहीं, आप प्लेट में लेके खाइए, लेकिन वहाँ वही खाते हैं खड़े खड़े, बुफे सिस्टम बुफे सिस्टम को एक ही है, जानवरों के लिए खड़े होके खाना मनुष्य के लिए। और इसमें एक नियम ये रखिए कि कभी भी ऐसी स्थिति में खाना है कि जहाँ बुफे ही है तो प्लेट में रखिए, कहीं बैठ के खाइए, आप खड़े होके मत खाइए, और खाते समय ध्यान रखिए धीरे धीरे चबा चबा के खाना, और खाने के बाद आपके पेट की अग्नि सम मात्रा में रहे, इसके लिए आयुर्वेद ने बोला है कि विशेष आसन करिए जिसका नाम है वज्रासन। यही एक आसन है जो कोई भी करे तो मैं खाली गारंटी लिखता हूँ, आप योग करें प्राणायाम करें न करें, वॉकिंग करें न करें, कुछ न कर पाए, भोजन के बाद 10 मिनट सुबह और शाम अगर वज्रासन करें तो बाकी कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ रात्रि भोजन में थोड़ी देर बाद भी किया ना तो चलता है, लेकिन दोपहर को तो तुरंत खाते ही आप 5 मिनट से 10 मिनट वज्रासन में। और इसके बाद आखिरी नियम है कि दोपहर का भोजन है तो थोड़ी देर विश्रांति लें, रात का भोजन है तो 2 घंटे बाद विश्रांति, विश्रांति जब लें तो सिर को उस दिशा में रखें जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिनिमम है। आप जानते हैं पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, तो पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ मैक्सिमम है, तो नॉर्थ साउथ छोड़ दीजिए, ईस्ट वेस्ट में स्थिर करेंगे, ईस्ट सबसे अच्छा माना गया है। तो मेरे नहीं, भागवत ऋषि ने 3,500 साल पहले ये नियम लिखे, ऐसे 7,000 नियम लिखे हैं उन्होंने, तो मैंने उसमें से 10-12 निकाले, मेरे ऊपर उनका प्रयोग किया, बहुत अच्छे परिणाम मिले, तो मैंने सबको बताना शुरू किया, आप भी करें। तो इतने करने मात्र से शरीर संतुलित रहे, और अगर शरीर संतुलित हो तो जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है। और कभी बीमार पड़ जाए तो भागवत तो बोलते हैं कि किसी को भी बीमारी आती है तो घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी औषधि और इलाज घर में ही है, गंभीर से गंभीर बीमारी। जैसे आप कहेंगे जी बताइए, 2-4 बताता हूं, बहुत खराब बीमारी है डायबिटीज, आजकल लोगों को खूब हो रहा है, इसका सबसे अच्छा इलाज घर में है मेथी का दाना, मेथी दाना खाना, मेथी जो भी आप ना, इसको पानी में डाल दीजिए रात को, सवेरे तक वो नरम हो जाएगी, उसको चबा के खाइए, पीछे से पानी पीजिए। मात्रा कितनी? सामान्य रूप से अगर डायबिटीज है, सामान्य माने ज्यादा बढ़ी हुई नहीं है, तो 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी पर्याप्त है, ज्यादा बढ़ी हुई है तो 2 चम्मच मेथी दाना और 1 गिलास पानी रोज कर लीजिए, 4 महीने के बाद रिजल्ट देखेंगे, आपको खुद आश्चर्य होगा इतने अच्छे से। ऐसे दर्द होता जोड़ों में, संधिवात हो, घुटने के कमर और कमर ये सब दुखता है आपको, उसमें भी यही मेथी दाना ले लीजिए, बहुत अच्छा। माताओं बहनों को अक्सर गर्भाशय के जितने भी रोग हैं, किसी को मासिक समय से नहीं आता, आता है तो ब्लीडिंग बहुत होता है, और बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होता, मन चिड़चिड़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है उस समय में, तो उनको भी कोई मेथी दाना ले लें। एक बहुत गंभीर बीमारी है
माताओं के शरीर में आती है जिसको यूट्रस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, गर्भाशय अपने स्थान से खिसक जाना। ये तभी होता है जब आप सिजेरियन कराते हैं। इसकी भी यही दवा है मेथी का दाना, मेथी के दाने के टू पिला दीजिए। एक मेथी दाना कम से कम 48 रोगों में आप काम में लेते हैं। किसी को सिर दर्द होता है, आधे सिर में होता है, किसी को पूरे सिर में होता है, सुबह उठते ही दर्द होता है, वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा है। मेथी दाने वायु की जितनी बीमारी, जिसको बाघ की बीमारी आज कहते हैं, कफ की जितनी बीमारी, कफ की बीमारी समझते, शरीर मोटा हो गया है, फुलफुल हो गया है, जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ गया है, नींद नहीं आ रही है, ये सब कफ की समस्या है, उनमें भी मेथी दाना खा। तो कफ और बाघ दो असंतुलन की 48 बीमारियां इस एक मेथी दाने से ठीक। एक चम्मच वही, एक चम्मच दाना, एक गिलास पानी भिगोने, रात को भिगो, रात को भिगोना, सुबह चुरा के खाना, पीछे से पानी पीना। एक ऐसी दूसरी बात बता देता, मेथी दाना है बहुत अच्छा, ऐसी एक है चूना। चूना, चूने की जितनी भी गुण है अद्भुत, मैंने इस चूने से इतने सारे रोगों में देखा है प्रयोग करके, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट। एक बहुत दुनिया का खराब रोग है जिसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता है, मेंटल रिटार्डमेंट, मेंटल डिसेबिलिटी, मति मंदता, कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन ये इलाज चूने में है। जिसके बच्चे मति मंद हैं, जिनके बच्चों को लगता है कि मति मंदता है, वो सबको आप चूना खिलाए, दही में डालते, मट्ठे में मिलाते, ताक में मिलाते, गन्ने के रस में मिला को, संतरे के रस में मिला को, मौसमी के रस में मिला के, किसी भी तरह से चूना पिए, कुछ भी नहीं मिले तो पानी में मिला के पिलाइए। मात्रा 1 ग्राम चूना है एक दिन में, 1 ग्राम से ज्यादा जरूरत नहीं होती, 1 ग्राम चूना और 1 गिलास पानी, 1 गिलास रस, 1 गिलास मक्खा या एक दूध छोड़कर दही, दही में चूना मिला सकते हैं, मक्खे में मिला सकते हैं, रस में मिला के चला सकते हैं। मति मंद सब बच्चों की अद्भुत दवा, एक साल में इतने एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं कि आप हैरान हो। मति मंदता हुई, अब शरीर मंदता उल्टा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग तो अच्छा है लेकिन शरीर अच्छा नहीं, एकदम बारीक पतले दुबले, न लंबाई बढ़ती है न चौड़ाई बढ़ती है, एकदम बारीक बारीक रहते हैं, उनको भी यही चूना खिलाइए तो शरीर के सब रोग ठीक रहे। मति मंदता में भी काम आता है शरीर मंदता, और ये चूना क्या क्या काम में आता है, घुटने के दर्द में, कमर के दर्द में, कंधे के दर्द में, दांत का खराब से खराब रोग जिसमें पूरा शरीर जकड़ जाए, अकड़ जाए और दुपर से पलटी लेना भी मुश्किल हो, वो लास्ट स्टेज का जो रूमेटिक आर्थराइटिस हो उसको भी खत्म करने की ताकत है चूना। चूना क्यों, चूना लगाइए मत, चूना खिलाइए, चूना खिलाइए, चूना खाइए, तंबाकू मत खाइए, चूना खाइए, कभी भी मत खाइए तंबाकू, चूना खाइए, चूना खाइए। अब चूने खाने के बहुत तरीके हैं, उसमें दही में मिला के, दूध में मिला के, रस में मिला के, ये सबसे अच्छा, अंत में कुछ नहीं है तो पानी में मिला के, और ये भी अगर संभव नहीं है तो घर में जब दाल बनती है तो उनको कहो आपकी पत्नी को या माँ को कि थोड़ा सा चूना दाल में डाल दें तो सबके दाल में आ जाएगा। सब्जी बनती है तो सब्जी में थोड़ा सा चूना डालने बनते हुए सबके काम है, और जो कुछ नहीं है तो मिट्टी के घड़े का जो पानी रखा है उसमें चूना मिला दीजिए, जो भी पानी पिएगा उसको चूना मिल जाए। और ये अद्भुत है, क्या क्या काम करता है, दांत अगर कमजोर है हिल गए तो चूना खाइए दांत मजबूत होगा, आंखों को दिखना कम हो गया है चूना खाइए रोशनी बढ़ जाती है, अगर शरीर की हड्डियों में कहीं भी दर्द है चूना खाइए दर्द खत्म होगा, हड्डी टूट रही है हॉस्पिटल में गए हैं आपको उन्होंने बैंडेज बांध दिया या प्लास्टर चढ़ा दिया तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत अगर है तो चूने में है तो चूना खाइए, अद्भुत है ये। आंखों के लिए बाजरा है चूना खाइए, सांस भरना बंद, दम भरना बंद, 1 ग्राम ज्यादा है, पान में चूना खाइए, कट्ठा मत लगाइए, चूने का पान खाइए, और एक बार का पान में लगभग 5 से 7 ग्राम चूना लगता है तो उसको थोड़ा कम करके लगाइए, 1 ग्राम से ज्यादा जरूरत है, रोज खाइए लेकिन 1 ग्राम, अद्भुत है। ऐसे आपके घर में बहुत सारी चीजें अद्भुत है, दालचीनी बहुत अच्छी, जिसको भी आप तकलीफ मानते हैं कफ की, कफ की जितनी भी तकलीफें हैं दालचीनी ठीक करते हैं, कितनी भी तकलीफ हो 40 साल की हो 50 साल की हो, दालचीनी का पाउडर शहद में मिलाते मध में मिलाते लेते हैं सुबह सुबह खाने से। ऐसे ही आपके घर में बहुत अच्छी चीज है काली मिर्च, बहुत अच्छी है,
काली मिर्च अगर नियमित सेवन करें तो कभी भी आपको सर्दी जुकाम बुखार वायरल फीवर बैक्टीरियल फीवर होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि बॉडी का रेजिस्टेंस जिसको प्रतिकारक शक्ति कहते हैं सबसे ज्यादा बढ़ाने की ताकत काली मिर्च में। ऐसे ही आप अगर और मसाले में पूछना चाहें तो हल्दी एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी फंगल पांच गुण एक साथ में हल्दी भरपूर इस्तेमाल करें। हल्दी का भी गले के कैंसर पर एक्सपेरिमेंट हुआ है बहुत अच्छे रिजल्ट, गले का कैंसर पेट का कैंसर ऑसियोपोरोसिस का कैंसर हल्दी के रस से ठीक होता है। तो मसाले में लगभग 108 हमारे घर में मसाले वो सभी औषधि ध्यान देने की बात है। बहुत अच्छी औषधि है नमक, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो नमक के पानी से स्नान करें और ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो नमक का पानी पीजिए। बीपी बढ़ा हुआ है तो बाल्टी में नमक घोलिए जो पानी है ना स्नान वाला और उससे स्नान करें और शरीर को पोंछना नहीं, 10 मिनट ऐसे ही सूख जाने देना कपड़े पहन लेना, 8-10 दिन में ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देना। और ये नमक का स्नान पानी का रोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हफ्ते में 2 दिन भी किया तो बीपी ठीक कर देता और जो बीपी लो हो गया है तो नमक को पानी में मिला सकती। तो नमक है, दालचीनी है, हल्दी है, काली मिर्च है, मेथी का दाना है, ये सब अद्भुत है, एक से एक अद्भुत है। इलायची है पित्त के सभी रोगों की अद्भुत औषधि, जीरा है पित्त के सभी रोगों की अद्भुत औषधि। जीरा कितना भी गैस बनती हो, खट्टी रकार आती हो, गैस्ट्राइटिस होता हो, जीरे का पानी पीना शुरू कर दीजिए, 6-7 दिन में खत्म कर दीजिए, हाँ पानी में डाल के बॉइल करिए। तो ये हुआ मसाले का। ऐसी सब्जियां हैं, सब्जी में बहुत अच्छी सब्जी है दूधी, दूधी बोकना चौकी वायु के सभी रोगों में अद्भुत काम करती है। वायु के रोग आप समझते हैं, हार्ट अटैक आना, कार्डियक अरेस्ट होना और फिर आपको कभी भी ब्रेन हेमरेज हो जाना, कभी भी पैरालाइज हो जाना, ये सभी रोगों में दूधी सबसे अच्छी। कोलेस्ट्रॉल तो कम करेगी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी वायु की प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक तरह से ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना, वायु जितने ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी उतनी ही तकलीफें हार्ट को आती है। तो हार्ट का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कम करना, सॉरी ब्लड का ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रखना, तो दूधी भोपड़े का रस सबसे अच्छा। ऐसे ही पित्त की जितनी तकलीफें हैं पित्त की, उसके लिए सबसे अच्छी है खीरा। खीरा जो आप खाते हैं सलाद, ककड़ी, एक ककड़ी होती है वो लंबी पतली पतली उसको खा सकते हैं खीरा कहते हैं, और एक मोटा होता है छोटा वो ककड़ी। तो ये खीरा और ककड़ी दोनों पित्त की किसी भी बीमारी में अद्भुत काम, बहुत ही अच्छे और स्किन डिसीज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट। खीरे का रस लगाइए आंखों के नीचे डार्क स्पॉट खत्म करें, और अगर शरीर में कहीं भी पिंपल्स हैं मुहासे हैं खीरे का रस लगाते रहो बिल्कुल ठीक कर। इसी तरह से सब्जियों में एक और बहुत अच्छी सब्जी है बैंगन, रिंगन कफ के सभी रोग ठीक करता है बैंगन, बहुत अच्छी है बहुत अद्भुत। ऐसे आपके पास भिंडी है भिंडी, पालक है पालक, पालक अद्भुत है रक्त की दूषण के जितने भी रोग हैं रक्त की खराबी के सब पालक से ठीक हो जाते हैं। और पालक जैसा एक होता है बथुआ, बथुआ देखना ये तो सुपर मोस्ट कितना अद्भुत है रक्त के दूषण में मिरेकुलस रिजल्ट करता है और बहुत सस्ता है आसानी से नहीं देता। एक चौलाई है चौलाई आप हाँ खून साफ करना हो चौलाई से अच्छी कोई चीज है पालक है बथुआ है चौलाई, इसमें सबसे ऊपर चौलाई है फिर बथुआ है फिर पालक। खून बढ़ाना हो शरीर में ऐसा लगता है कि खून कम हो गया है तो सबसे अच्छा फल अनार, दारिम का रस पीजिए खून बहुत तेजी से बढ़ेगा, पालक का सूप पीजिए खून बहुत अच्छा से बढ़ेगा, बथुए का सूप पीजिए खून बहुत अच्छे से बढ़ेगा, चौलाई की सब्जी खाइए खून बहुत अच्छे से बढ़ेगा। एक सब्जी होती है उसको मराठी में क्या कहते चौपतिया, एक हम लोग हिंदी में कहते मराठी में क्या कहते चार पत्ते होते हैं उसमें, नहीं चौलाई अलग है चौपतिया एक बड़ा और एक छोटा आता है उत्तर भारत में बहुत है, ये भी बहुत अच्छी है खून बढ़ाने के लिए। तो जितने भी पत्ते की सब्जियां हैं बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन सब करेंगे। तो सब्जियां हैं आपके मेथी बहुत अच्छी, मेथी तो डायबिटीज में भी काम आती है और रक्त को भी शोधन करती है, ताजा मेथी सूख माने हरे पत्ते की मेथी सब्जियां। लेकिन आजकल मकई मिलती है, हाँ उससे क्या
जो परिणाम होता है थोड़ा इसमें पानी ये बोतल में रखता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सब्जियां आजकल पेस्टिसाइड से पकाई हुई मिलती हैं, उसका दुष्परिणाम शरीर पर होता है, लेकिन इस दुष्परिणाम से बचने के लिए आप एक छोटा उपाय कह सकते हैं कि कोई भी सब्जी के बारे में आपको अगर डाउट है कि ये पेस्टिसाइड से है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन में डाल दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ उसको पानी में घोलिए, उसमें थोड़ी देर के लिए सब्जी डाल दीजिए, आधा घंटे पौना घंटे, फिर निकाल लीजिए, पानी से धो के उपयोग में लाइए, तो पूरा खत्म नहीं होता, लेकिन 60-70% जो पेस्टिसाइड है उसके ऊपर के सरफेस पर पोटेशियम परमैंगनेट उठने को तो खींच लेगा, अंदर आ गया है वो नहीं है, तो वो 30% कि तुम बिना केमिकल की, बिना रसायन की, बिना पेस्टिसाइड की मर्जी लाओ, हम तुमको ज्यादा भाव देके खरीदे, 10% ज्यादा देंगे, 15% वो करके लाए, उसको अगर आप गारंटी देंगे कि पूरा आप खरीदेंगे वो करके लाएगा, और खरीद के आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं तो आखिरी ऑप्शन है कि आप मिलकर एक खेत खरीदिए और कम्युनिटी फार्मिंग करेंगे, कम से कम माहेश्वरी समाज के लोग एक एक एकड़ खेत खरीदे, सब मिलकर कोई बड़ा फार्म बना ले, उसमें जितनी सब्जी होगी माहेश्वरी समाज को शुद्ध खाई सकता है, बचे तो किसी दूसरे समाज को देगा, और अभी मल्टीनेशनल कंपनियां जो सब्जियां बेच रही है वो तो बिल्कुल मत खाई, कल हमने एक अभी रांची के अंदर में देखा है रिलायंस कभी मत खाई, तो वो टीवी वालों का बोलना गिरा है कि ये दलाल लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं उसका, नहीं दलाल नहीं, जो सीधे वेंडर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, और मैं आपको मल्टीनेशनल किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर की सब्जी नहीं खाने की सलाह इसलिए भी दे रहा हूँ कि ज्यादातर सब्जियां उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से बनी, वो लोग घर घर जाके पब्लिसिटी कर रहे हैं, हर डोर टू डोर जाके बोल रहे हैं हम आपको बाजार से कम रेट में सब्जी घर लाके देंगे, हाँ क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, जो ओरिजिनल पालक है वो इतने बड़े पत्ते का, उनके यहाँ इतने बड़े पत्ते का मिलेगा, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और जीएम सीड्स का कोई भी ताकत नहीं है शरीर के, इसलिए उनकी सब्जी बिल्कुल मत खाइए, वेंडर से सब्जी लाइए, उनसे एग्रीमेंट कर लीजिए, हमने कई जगह किया, उनको आप बोलो कि 10% ज्यादा भाव के ले लीजिए, तो वो शुद्ध शेन खत की सब्जी लाते और उसका टेस्ट आप करेंगे आपको खुद ही पता चलेगा, वो कर सकें तो सबसे अच्छा है, नहीं कर सकें तो कम्युनिटी फार्म है, एक छोटा सा डेवलप करिए फार्म हाउस, वो सबके लिए हो जाए। उसका नहीं, उसका नहीं होगा, अगर इंजेक्शन दे दिया उसमें तो वो तो बहुत ही खराब है, तो ऐसी स्थिति में आप लौकी को तय कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि इसमें इंजेक्शन है या नहीं, मैं आपको हाथ का एक वो बताता हूँ, लौकी को जैसे ही खरीदा तो तुरंत उसमें आपका जो नाखून है ना इसको दबा के देखिए, अगर ये आसानी से गया तो उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगा, हाँ और अगर ये जा ही रहा है उसकी सरफेस आपको ऐसा लगती हार्ड हो गई है तो 100% उसमें इंजेक्शन दिया है तो वापस कर दीजिए, हाथ टच करके ही आप फैसला कर सकते इमीडिएट। हाँ भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर दूध निकालते हैं, बिल्कुल, तो मेरा ये मानना है कि आप खुद अपनी गाय पाल लीजिए, और ये सुझाव मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप अगर खासी बना रहे हैं, नहीं नहीं अगर आप कार खरीद सकते हैं तो गाय भी खरीद सकते हैं, स्कूटर खरीद सकते हैं तो गाय भी खरीद, लेकिन कार धीरे पड़ोसी आते नहीं लेता, गाय धीरे पड़ोसी आते नहीं लेता है, नहीं नहीं उसका ऑप्शन है ना, अगर एक फार्म हाउस आप बना सकते हैं तो गौशाला भी बन सकते हैं, माहेश्वरी समाज में थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करिए, गाय खरीदिए, फार्म हाउस बनाइए, अच्छी खेती करवाइए, शुद्ध सब्जी खाइए, शुद्ध गाय का दूध लाइए, तो सुख तो यही है, और आप ये जो बाजार का भेड़ से खाएं और लाखों रुपए डॉक्टरों को देते जाएं उसमें तो कोई सुख नहीं, तो अगर आप सब कर सकते हैं तो ये भी हो सकता है, और फार्म चलाने के लिए आपको बहुत सारे कारीगर मिल जाएंगे, खेत वाले लोग मिल जाएंगे, वो आपके लिए काम करेंगे, तो ऐसी जीवन शैली अब कई जगह विकसित हो रही है, मुंबई के आसपास में आप देखिए कई ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं जो अपने खाने की सब्जी वहां बाजार से नहीं लाते, वो गाँव में किसानों से एग्रीमेंट किया हुआ वहां से लाते, अपनी जगह की गाँव के किसानों से लाते, अपना गेहूँ किसानों से लाते, क्योंकि वो ऑर्गेनिक, ये आप ही कर सकते, और नागपुर के आसपास ऐसे बहुत खेत हैं, अगर मेरा ऐसा मानना है कि मल्टीनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के लिए खेत ले सकती है तो आप क्यों नहीं ले सकते,
सरकार ने आपको खुली छूट दे रखी है, आप भी किसी किसान से एग्रीमेंट करिए, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग से उसको ले जाइए और उसको शर्त लगाइए कि तुमको हर साल का एक एकड़ का 50,000 हम देंगे या 25,000 देंगे, जिसमें शेयर खर्चे ही करना। वो करेगा, कोशिश से करेगा, जो विदेशियों से ये करना तो आपके लिए भी करेंगे। तो इस तरह की जीवन शैली में हम आते जाएं तो भारतीयता बढ़ेगी और आप सुरक्षित हो जाएंगे, निरोगी। ये मेरा सुझाव, और आप निरोगी हैं, सुखी हैं, सभी रोगी है तो कुछ। तो मैंने कुछ छोटी सी जानकारी दी, आपने ये अपनी जानकारी जीवन में काम लाए और इससे आप थोड़े बेहतर हों तो मेरे आने की सार्थकता है, और इस बात से आगे बढ़ने तो और भी। आपके लिए है जिस पर ईस्ट बनता है, खमीर बनता है, तब उससे पाव रोटी बनती है। दूसरा है इडली। इडली में फर्मेंटेशन के लिए क्या किया जाता है, चावल का पाउडर है, उसमें उड़द की दाल का पाउडर मिलाया जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे में ईस्ट बनता है और उसको आप काम में लाते हैं। तो एक 6-7 दिन का फर्मेंटेड है, एक 12 घंटे का है, दोनों में अंतर। डोसा में भी वही है, इडली में भी वही। हम फर्मेंटेशन कराते हैं उड़द की दाल के आटे से और वो फर्मेंटेशन कराते हैं केमिकल से, कड़ाके और केमिकल दोनों में। एक ऑर्गेनिक है, दूसरा बिना ऑर्गेनिक। तो पानी कितना पानी आपके वजन के हिसाब से, आपका वजन है उसमें 10 का भाग दे दो, सीधा फॉर्मूला। आपका जितना वजन है उसमें 10 का भाग दे दो, जितना अंक आए उतना लीटर पानी दे दो, एक दिन 24 लीटर। आपका वजन 60 किलो है, 10 का भाग दे दो 6 आया तो एक दिन में 6 लीटर पानी दे दो। 70 किलो है, 10 का भाग दे दो 7 लीटर आया, 24 घंटे में 7 लीटर पानी दे दो। 40 किलो वजन है तो 4 लीटर, 50 किलो तो 5 किलो, सीधा सर। सवेरे उठते ही पानी पीने में थोड़े कॉन्ट्रडिक्शन मालूम पड़ते हैं, मुंह धोए बिना पीने की कहता है। ज्यादा जो जानकारी है शास्त्रों में वो बिना मुंह धोए ही, उनका ये कहना है ऋषियों का जिन्होंने इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया है कि रात को मुंह धोकर सोना चाहिए, सुबह उठते ही बिना मुंह धोए पानी पीना चाहिए। क्यों? मुंह धो दिया तो जो लार है वो निकल गई पानी के बाहर, वो तो अंदर जाने के लिए है। लार को जितना अंदर ले जाए उतना ही अच्छा, जितना बाहर फेंकेंगे उतना ही नुकसान। ये जो गुटखा खाने वाले हैं ये सब लार को थूकते रहते हैं, इसमें उनको सबसे ज्यादा नुकसान। गुटखे से जितना नुकसान है उससे ज्यादा उनकी लार जो थूकी जा रही है उससे बड़ा नुकसान। तो ये गुटखे खाने वाले, मावा खाने वालों को अगर हम समझाएं कि इसको थूको मत तो वो बेहतर है। लार बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना बंद कर देंगे तो भूखा खाना ही बंद हो जाएगा। तो अच्छा है ना, दोनों ही बातें हो जाएंगी। ये जगह जगह हमारी दीवारें खराब होने से बच जाएंगी और अपना उनका शरीर भी सुरक्षित कर देगा, व्यवस्थित हो जाएगा। 12 महीने अगर सर्दी रहे तो क्या करना? हाँ, 12 महीने जिनको भी सर्दी रहती है उनका प्रतिकारक शक्ति कम है, इसका मतलब ये है तो आप सीधे से थोड़े दिन चूना खा लीजिए। 3 महीने में आपको हमेशा के लिए सर्दी की समस्या खत्म, या 3 महीने आंवला खा लीजिए तो भी सर्दी की समस्या हमेशा के लिए खत्म। और रिजल्ट देखिए, विनेगर से भी सब्जी धोनी चाहिए, बहुत अच्छे से। अगर विनेगर आपके पास है तो पानी में विनेगर मिलाइए। कितने पानी में करते? लगभग 1 लीटर पानी अगर है तो 10 से 15 मिलीलीटर या 20 मिलीलीटर तक विनेगर मिला सकते, और विनेगर थोड़ा सब्जी में डाल के खाएं तो और भी अच्छा। विनेगर अगर थोड़ा सब्जी में डाल के खाए, सिरका नहीं तो अचार में जरूर डलवाइए, अचार के रूप में भी खाइए तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि शरीर को बहुत आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है विनेगर, बहुत आवश्यक। एक घंटे बाद हम भूल जाते हैं, जब तक सुनते हैं तब तक याद रहता है, घंटे भर बाद भूल जाते हैं। तो इसकी किताबें बनाएंगे, एक किताब बनाया स्वदेशी चिकित्सा, दूसरा है सौंदर्य चिकित्सा। सौंदर्य चिकित्सा स्वदेशी चिकित्सा का अंतर क्या है? स्वदेशी चिकित्सा माने रसोई घर में जो भी मसाले हैं उनसे होने वाली चिकित्सा। सौंदर्य चिकित्सा माने स्किन की जितनी डिसीज है, सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्किट, ये सब स्किन की, तो स्किन की जितने भी रोग हैं उनकी चिकित्सा सौंदर्य चिकित्सा। तीसरी है गौमूत्र चिकित्सा, गाय के पेशाब से मूत्र से आप कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर सकते हैं बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी कॉस्ट के, कैंसर तक भी ठीक होगा। चौथी एक पुस्तक है अपने डॉक्टर स्वयं बने, माने स्वयं चिकित्सा,
मैंने जो कुछ सिखाया वो उसी दिशा में ले जाने के लिए कि आप अपनी चिकित्सा स्वयं करें। फिर एक है अहिंसक चिकित्सा, स्वावलंबी और अहिंसक, माने किसी भी जीव को मारे बिना, किसी की हत्या किए बिना आप अपने सारे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। कोई भी दवा बनाने में किसी जीव की हत्या ना हो वो ट्रीटमेंट कैसे कर। फिर एक आखिरी पुस्तक बनाई है वो सबसे महत्वपूर्ण है, गंभीर रोगों की चिकित्सा, कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे 48 गंभीर रोग हैं जिनमें मृत्यु की संभावना बहुत होती है। इन सबकी चिकित्सा आप कैसे करें, अपने रसोई से, गाय के मूत्र से, रसोई की औषधियों से, वो गंभीर रोगों की चिकित्सा। ऐसी 6-7 किताबें हैं, बाहर एक स्टॉल है उसके लिए आप ले जाएं। किसी भी किताब पर हमारा कॉपी राइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट। हमने ये किताबें बनाई 6-7 साल के रिसर्च से, लेकिन हमारा कोई कॉपी राइट। आपको अच्छी लगे आप अपने नाम से छपाई, अपनी संस्था के नाम से छपाई और गली गली बांटी। तो हमारा उद्देश्य है कि भारतीयता बढ़े, लोगों का जीवन सुखी बने। तो ये इसी विषय पर कैसे भी बनेंगे, जैसे भारत और यूरोप की मैं अंतर बता रहा था, ये विषय बहुत लंबा है, जटिल भी है। आप इसको ध्यान से और आराम से सुनना चाहें तो एक सीडी बनाई है, डीवीडी, लगभग 3 घंटे की, वो आप ले सकते हैं, भारत और यूरोप, यही नाम। दूसरा, मैंने जो बोला चिकित्सा का और ये कई कई बातें, इनकी 40 घंटे की एक ऑडियो सीडी भी है, MP3 फॉर्मेट, वो भी है। और भी 2-4 विषय पर वीडियो और ऑडियो सीडी, वो आप ले सकते हैं, सुनकर दूसरों को सुना सकते हैं, उस पर भी हमारा कॉपी राइट है, आप कॉपी करके दूसरों को दे सकते हैं। आखिरी में आपसे पर्सनल अपील जरूर करना चाहता हूँ कि हम पूरे भारत में अभियान चलाते हैं तो किसी से डोनेशन नहीं है, तो फिर ये कैसे चलता है। ये अभियान चलाने के लिए हम खादी बनाते हैं, जैसे गांधी जी खादी बनाते थे और बेचते थे, खादी बिक्री से जो पैसा आता था उससे आजादी लाओ आंदोलन किया। तो हम भी अभी खादी बनाते हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, चरखा चलाते हैं, सूट बनाते हैं, बुनता है, खादी बनाते, वो खादी की बिक्री करके हमको जो पहुंचाते हैं उससे हम भी अपना अभियान करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं की बनाई हुई कुछ खादी भी आई है, बाहर है, आप अगर थोड़ा भी खरीदेंगे तो हमें मदद मिलेगी। तो आप खादी खरीदें, वो मेरी आपसे अपील है, ताकि हमको फंड्स मिले। और पुस्तक और सीडी खरीदें, वो आपकी आवश्यकता है, ताकि आप उसको दूसरों में वितरित कर सकें। तो थोड़ा मेरी मदद हो, थोड़ा आपकी मदद हो, इस दोनों तरीके से हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ें, ऐसी भावना के साथ आपका आभार। बहुत ये भी यूरोपियन शैली का ये है मॉल। हाँ बिल्कुल, तो उसका विरोध आपके, हम तो बहुत पूरी ताकत से मॉल का विरोध कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मॉल खुल रहे हैं हम सब उनके खिलाफ हैं और कई जगह कोर्ट में लड़ाई लड़ते ही जाते। और आगे एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए निवेदन, हमें संस्कृति के बारे में जानकारी दी, हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे राज्य मधुसूदन जी सारडा जी का जिन्होंने हमारे आतिथ्य स्वीकार किया, हम आभार प्रकट करते हैं श्री अतुल जी देशमुख जी का जिनके सहयोग से आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, हम आभारी हैं श्री अखिल भारतीय मैत्री महासभा श्री चांबा बुराठी के जिनकी तरफ से हमें ये कब सभा कक्ष उपलब्ध कराया, हम आभारी हैं आप सब लोगों के जो यहाँ पर आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, धन्यवाद। हाँ जी, थोड़ा कितना बताइए, 25 रुपए एक क्वालिटी है जनरल।